जय श्री धनंजय ऋषिकेश प्रभु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अवतरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामयिहं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु स्युतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्युतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखानुतं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का जो तिथि है ये माधव तिथि है और इसको एकादशी बोलते हैं। ये तिथि का बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हम भक्ति विनोद ठाकुर का विरचित ये जो हम गीत अभी पढ़े उसमें है माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। ये जो तिथि है भक्ति का माँ इसको बोलते हैं। जो भी माधव तिथि है, माधव मतलब भगवान कृष्ण, और वो कृष्ण का जो जन्मदिन रहता है, गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन होता है, भगवान कृष्ण का, नरसिंहदेव का, भगवान रामचंद्र का, जितना भी विष्णु तत्व तो उनका आविर्भाव होता है उसको माधव तिथि बोलते हैं। और एकादशी जो है, कोई अगर एकादशी व्रत अज्ञान में पर भी पालन करता है तो उनका हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उनका होता है। ये जो भक्ति का जो परिभाषा है, ये जो शब्द है, ये केवल विष्णु तत्व और भगवान कृष्ण और भगवान राम और नरसिंहदेव इनके प्रति प्रयुज्य है। देवता लोक के प्रति जो भक्ति होता है, कोई शिव का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई ब्रह्मा का, ये वाला सबका भक्ति है, भक्त का भक्त है, वो जो भक्ति जो शब्द है उनका पूजा होता है। भगवान शिव का, जो देवता लोक का, उनका पूजा होता है। भक्ति केवल भगवान विष्णु के लिए ही और विष्णु तत्व के लिए ही वो रिजर्व शब्द है। हमको मैक्सिमम लोग को पता नहीं, ये जो जयंती होता है, सपोज भगवान कृष्ण का जन्म तिथि हो गया, ये जयंती शब्द भी केवल भगवान का तिथि के ऊपर ही प्रयुज्य होता है। किसी का पीछे हम जयंती नहीं लगा सकते और भक्ति ये वाला नहीं लगा सकते हैं। इसलिए भक्ति करने का जो सुगम उपाय है, ये भक्ति विनोद का जो ये जो संग है बा ये वाला जो कविता है उसमें पूरा वर्णन है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन करने के समय में हमको बहुत प्रतिकूल आता है। किसी को अगर हरे कृष्णा महामंत्र के लिए बोलेंगे, क्योंकि कलिचुग में हमारा निसत्वान, भागवत में एक श्लोक का वर्णन है प्रथम स्कंद का प्रथम पंचम अध्याय में, कलिचुग का जो गुण है सब लोग का सत्व गुण कम हो जाएगा, इसलिए वो एक जगह में बैठकर वो हरे कृष्णा महामंत्र नहीं कर पाएंगे। और आज का जो विषय है, ऐसे तो कौन सा विषय में या टॉपिक में बताएंगे ये वाला कुछ निर्णय नहीं है,
भगवद्गीता 700 श्लोका है, भागवतम 18,000 श्लोका है, चैतन्य चरितम तो 25,000 श्लोका है, महाभारत 1,00,000 श्लोका है। तो किसके बारे में वर्णन करने का, जिसके सुनने के बाद हमारा क्या लाभ होगा? कलयुग का जो लोग है उनको अगर लाभ क्या मिलेगा ये वाला करने के बाद, अगर उसको नहीं बताएंगे तो वो वाला कुछ भी काम नहीं करेगा, हाँ या नहीं? तो इसीलिए दशम स्कंद का प्रथम अध्याय का 16 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, तो कलयुग का जो ये कृष्ण कथा इसको सुनने में लाभ क्या होता है? अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है आपका मोबाइल में, आप भी देख सकते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न, आप मेरे पास भी दोहरा सकते हैं। ये 4 लाइन का जो वर्स है बहुत सरल है, संस्कृत और हिंदी का जो शब्द है बहुत मेल खाता है, इतना कठिन नहीं है, आप मेरे पास भी दोहरा सकते हैं। अगर संस्कृत का श्लोक को जो भागवतम और भगवद गीता का जो श्लोक हम दोहराएंगे, हमारा जीवा भी पवित्र होगा, इसका आवाज़ जैसे शंख नाद जब करते हैं, शंख का शब्द जहाँ पर जाता है वो वातावरण पवित्र हो जाता है। जो भी लोग इस्कन का मंदिर को आते हैं, विग्रह के सामने वहाँ पर कीर्तन होता है, भजन होता है और संध्या होता है, वो लोग का फीलिंग्स उसका अनुभूति है, यहाँ पर आने के बाद अच्छा लगता है और आनंद लगता है। आप जितना भी खड़ प्रवृत्ति का लोग लाओ, जितना भी नास्तिक प्रवृत्ति का लोग लाओ, इस्कन का मंदिर के सामने जब जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं, उनको सुकून लगता है, उनका अच्छा लगता है। वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो जो सामने में हमेशा भगवान का नाम गुण रूप लीला का कीर्तन होता है, इसलिए उसका जो एनवायरनमेंट, उसका जो वातावरण, उसका जो इथर, उसका जो 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 वायुमंडल है वो पूरा एकदम स्पिरिचुअली सरचार्ज हो जाता है, आध्यात्मिक वातावरण हो जाता है। एक घर में आप जाएंगे, जितना भी बेडरूम है सब बेडरूम में एक एक खट पड़ता है, और उसमें रात 6 घंटा का हम हाफ डेड हो जाता है, खूब जाता थे हाफ डेड हो जाते हैं, मतलब वो घर में आप जाएंगे ऑटोमेटिक आपका नींद आएगा। तो 3 गुण का जो प्रभाव है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 14 अध्याय भगवद गीता का भगवान बोलते हैं, ये जो 3 गुण आप कैसे पहचान सकते हैं, सत्वगुण का आप प्रवृत्ति है या रजोगुण का या तमोगुण का, और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन में जैसे हमारा व्याधि और रोग निराकरण होता है, उसी तरह अगर आप तमोगुण और रजोगुण से अगर सत्वगुण को आते हैं, तो सत्वगुण का जो क्वालिटी है, बस गुण है सुख और ज्ञान, ज्ञान और जो सुख है वो सत्वगुण का लोग आस्वादन कर सकते हैं। राजसिक लोग, राजसिक मतलब वो राजा जैसा क्या सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उनका कमाई में, वो कमाई में इतना तल्लीन हो जाते हैं, उसको उपभोग करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता। संग तृष्णा ये राजसिक लोक का और राजसिक गुण का उसका 2 क्वालिटी है। संग मतलब वो हमेशा जो भी कर्म करता है दूसरे को, वो दूसरे के सामने हीरो होने के लिए करता है, कोई भी हो, कोई भी अच्छा पढ़ाई करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, सब में वो अव्वल नंबर आना चाहता है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण से विद्वेष कर ये जेल खाना को आए हैं। जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, इसीलिए हमारा सब कर्म है। हम जब भगवान को इमिटेशन कर एक खुद भगवान होने चाहते हैं, तो कम्प्लीटली हम जब फ्रस्ट्रेशन होंगे तब भगवान के और हम मुड़ेंगे। करोड़पति लोग भी वो जाते हैं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, जैसे 4 धाम हमारा है, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का एक जीवन में, ये जो हमारा जीवन मिला है, कम से कम वो 4 धाम करना चाहिए, और अपना घर में अपना पूर्वजों को उद्धार करने के लिए वो भागवतम सप्ताह करना चाहते हैं चाहिए, ये सबको पता है। ये 4 धाम जब करते हैं, वो 4 धाम में हमारा जो टॉपिक थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, हम अभी देखना चाहेंगे कि वासुदेव कथा में हमारा क्या फ़ायदा होगा। अगर कलयुग लोग को आप फायदा नहीं बताएंगे तो कथा भी सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो ये वाला दशम अध्याय का प्रथम, दशम स्कंद का प्रथम अध्याय के 16 नंबर श्लोक में ये वाला वर्णन है, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम त्रिन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिम तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, ये जो वासुदेव कौन है? वासुदेव जो है भगवान स्वयं कृष्ण है और वासुदेव का पुत्र है। कथा प्रश्न, ये वासुदेव कथा और कृष्ण कथा, इसके बारे में जो जिज्ञासा करता है, कोई साधु को पूछता है और भागवतम भगवद्गीता में खोजता है, हमारे वैदिक साहित्य में जो सब ढूंढने के बाद उसको जो मिलता है, ये क्या करता है? ये वासुदेव का कथा जहाँ पर होता है, जो सुनता है, जो क्वेश्चन पूछता है, जो जिज्ञासा करता है, पुंसम त्रिन पुनाति ही,
तीन पुरुष को वो पवित्र करता है। आप बोलेंगे माता को पवित्र नहीं करता है, ये पुरुष जो है उसका व्याख्या में भागवत में बताया गया है, जो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, आप पुरुष शरीर हो, आप क्या स्त्री का शरीर में हो, आपका जो भोग करने का प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं पौरुषत्व। इसलिए हमारा जो पांच पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ वेद में वर्णन है। ये जो भागवतम है ये है पंचम पुरुषार्थ, जो भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम का वर्णन है भागवतम है। इसलिए द्वितीय श्लोक प्रथम स्कंद में वो बता रहे हैं व्यासदेव जब मंगलाचरण कर ये भागवतम रचना किए वो बताए धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्म शरणाम। ये जो शास्त्र में वर्णन करने जाता जा रहा हूँ ये है कैतव धर्म इसमें नहीं है, और इसमें चार पुरुषार्थ आपको नहीं मिलेगा। कैतव धर्म क्या है, जो सब हमारे शास्त्र है 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है, इसमें आपको खुल्लम खुल्ला कोई नहीं बता रहा है तुम भगवान कृष्ण का अंश हो। आप भगवान कृष्ण का अंश है इसलिए जब भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनका सेवा करेंगे तो आपको सुख शांति आनंद रहेगा, ये कोई नहीं बताता है। कोई बोलता है तुम कर्मकांड करो, बड़ा बड़ा यज्ञ करो, एक वेद में 80% जो बात है वो कर्मकांड के बारे में है। आप ये यज्ञ करो, आप सोमरस पान करेंगे, आपको 180 यज्ञ करेंगे तो इंद्र का पोस्ट मिलेगा, 1000 वर्णाश्रम धर्म करेंगे तो आपको ब्रह्मा का पोस्ट मिलेगा, ऐसे सब वर्णन है। कोई भी खुल्लम खुला नहीं बताता है कि तुम भक्ति करने से तुम सुख शांति लाभ कर सकते हैं। भागवतम जैसे कोई लॉयर होता है वो जब केस लड़ता है तो डिफरेंट डिफरेंट क्या कोटेशन देता है, इसलिए भागवतम का जो श्लोका है वो हमारा मानव समाज में हम क्या करना चाहिए, ये करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, उसका सब वर्णन है। भागवतम खाली साधु के लिए नहीं है, वो हर इंडिविजुअल व हर जीव के लिए है, हर लिविंग एंटिटी के लिए है। आप जो भी आश्रम में रहो, आप गृहस्थ आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, वानप्रस्थ में रहो, सन्यासी में रहो, ये भागवतम आपका जैसे कोई जहाज जाता है समुद्र में तो उस प्रॉपर डायरेक्शन पाने के लिए उसका रडार रहता है। तो भागवतम साधु शास्त्र ये सब आपको बताएंगे आप सही रास्ता में जा रहे हैं या गलत रास्ता में जा रहे हैं। प्रभुपाद ये जब संस्था शुरू किए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि जैसे समाज में डॉक्टर का आवश्यकता है, वकील का आवश्यकता है, टीचर का आवश्यकता है, इसलिए साधु लोग का भी आवश्यकता है। अभी साधु पहचानने कैसे वो हमारा गलत है, क्योंकि हम साधु लोग को ही भगवान बनाकर जब वो सब गलत चीज़ करते हैं, बहुत भगवान अभी जेल के अंदर भी है, क्योंकि उनका कहना है इस्कॉन का साधु जेल के अंदर क्यों नहीं जाते, क्योंकि इस्कॉन के अंदर घुसने में ही आपको बता देंगे ये वाला गलत चीज़ है, अधर्म एक्टिविटीज़ है। प्रथम अध्याय का 17 नंबर श्लोकों में, क्योंकि कथा किधर जाएगा पता नहीं बट कथा सुनने में आपका पवित्रता आएगा, ये वाला गारंटी है, ये भागवतम का गारंटी है। तो इधर बता रहे हैं वो जो प्रथम अध्याय का 17 श्लोकों का 39 वर्स में बता रहे हैं, कलि युग का जब प्रारंभ हो रहा है तो कलि युग आकर बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। अभी दृश्य ऐसा है, कलि जो है वो एक राजा का भेष पहना है और वो देखने में पूरा चिकना काला है, लेकिन वो जो ड्रेस कोड पहना है वो राजा का है, और दो हमारे जो भारत संस्कृति और मानव संस्कृति का जो माँ और पिताजी है, एक है बैल और एक है गाय। गाय जो है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रहा था और वो पूरा अश्रु क्या रो रहा था गाय, और बैल जो है उनका तीन पैर को कली पूरा मार कर उसको पूरा काट दिया था, और एक एक गदा लेकर अपना पैर में वो बैल को मार रहा था। और जब परीक्षित महाराज ये परिस्थिति को देखे, कलिजुग का परिस्थिति नहीं, द्वारिका द्वापर युग खत्म हो रहा है, कलिजुग का प्रारंभ हो रहा है, और कलिजुग का भविष्य तो यहाँ पर अभी बोल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जो लोग हैं वो गाय को ऐसे जो अपना माँ है बाप है उसको भी काट कर खाएंगे। गाय को माँ बाप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मानव का साथ माँ है, उसमें गाय एक माँ है, अपना जन्म जो देते हैं ये जो पृथ्वी जन्म देने के बाद जहाँ पर हम रहते हैं, राजा का पत्नी, ब्राह्मण का पत्नी, गोमाता, धात्री, हमारा जो टेक केयर करते हैं वो सब माँ में गिनते जाते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब गाय का दूध पान करते हैं, इसलिए वो गाय भी हमारा माँ जैसा है, गोमाता कहकर हम उनको पूजा भी करते हैं। तो वो रो रहे हैं, और बैल जो है वो धर्म का प्रतिनिधि है। बैल जब हमारा ट्रैक्टर नहीं था वो क्या खेती कर रहा था, है ना, नहीं तो ये दोनों के
ऐसा परिस्थिति कभी भी नहीं आया था जब भगवान कृष्ण का और पांडव का शासन चल रहा था, लेकिन भविष्य में ऐसा आएगा। उसको देखकर उसके सामने वो राजा है, अपने अपने हाथ में गदा लेकर वो बैल को मार रहा है। तो उनको पूछे तुम क्यों मार रहे हो, और उसको ये वाला दृश्य का जब वर्णन कर रहे हैं सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं वहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पर ऋषि मुनि ये वाला विवश दृश्य को सुनकर बता रहे हैं कि अगर ये वाला आप जो वर्णन कर रहे हैं ये वाला वर्णन कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे तो ये वाला कथा हम नहीं सुनेंगे। गाय का हत्या ये सुनने के लिए भी ऋषि मुनि का उनका जो क्या हृदय बहुत कांप रहा था, ये वाला कैसे भयंकर परिस्थिति आएगा। और आप जानने की बात है कलयुग जो है वो 5,034 एज उसका है, 4,32,000 से जस्ट 5,000 गया है। इसका दृश्य आप देख सकते हैं मार्केट में, हमारा ड्रेस कोड कैसे हो रहा है, हमारा बातचीत हमारे बुजुर्ग के साथ कैसे हो रहा है, ये वाला छोटा सा नमूना है। और जब तक हमारा 4,32,000 तब चलेगा तब तक भयानक परिस्थिति है। द्वादश स्कंद में संपूर्ण वर्णन है कैसा कैसा उसका परिस्थिति होगा। पृथ्वी जो है वो अन्न नहीं देगा, उस समय शुगर राइस दाल ये वाला कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जंगल वगैरह में कोई जाते हैं जीप लेकर, कहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बकरी जा रहा है, जो नॉनवेज खाते हैं वो बकरी को जीप में लेकर चले जाता है। तो इसी तरह जब कलयुग बहुत घोर कलयुग आ जाएगा उस समय हमको जो जप करना पड़ता है वो हम छुप कर करेंगे, अभी भी छुप कर करते हैं है ना। नहीं कलयुग में उस समय वैष्णव बहुत लुप्त प्राय हो जाएगा, और कोई अगर छोटा बच्चा ऐसे जा रहा है, अरे वो छोटा बच्चा है तो उसको लाकर उसको उसका मांस खाएंगे, ऐसा परिस्थिति है। जापान वगैरह वैसे में शुरू हो गया है, सरोगेट मदर गेटिंग ना, वो आवर्षण कर कर उसका मांस खाते हुए बहुत टेस्टी है। ऐसे भयानक परिस्थिति अभी सुनने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर प्रकट चलेगा। तो यहाँ पर जब कलयुग को मारने के लिए वो खड़ग उठाए हमारे परीक्षित महाराज जो है वो कुरु वंश में, उनका कुरु वंश का माने लास्ट उनका डिसेंडेंट है, उनका वंश रक्षक का वो लास्ट है, और ये महाभागवत है, वो परम भक्त है भगवान का। और क्षत्रिय कोई भी शरण लेता है तो उसको रक्षा करते हैं। जब कलयुग देखा कि मैं अभी इसके हाथ में मरने वाला हूँ, तो जब शरण लिए तो उनको बोले, उनको अभय प्रदान किए, वो बोले मेरा तो समय आ गया, द्वापर अभी चला गया, अभी भगवान कृष्ण का अप्रकट हो गया, और मेरा समय हो तो मैं तो शासन करूँगा, आप मुझे अनुमति दीजिए। तो उस समय वो श्लोक में बता रहे हैं अभ्यर्थितस्तदातस्मै कौड़ो स्थानानि ततो अभ्यर्थितस्तदातस्मै। जब वो परिस्थिति देखे परीक्षित महाराज के हाथ में मेरा निधन होने वाला है और मेरा बचने का उपाय नहीं है, लेकिन उनको पता है क्षत्रिय को अगर शरण लेंगे आप जितना भी बुरा चीज़ करो आपको हत्या नहीं करेंगे। तुरंत वो उनका परीक्षित महाराज के चरण कमल में पढ़कर उनको बताए अभ्यर्थितस्तदा, उस समय, तदा मतलब उस समय, दास शब्द का मतलब समय, कदा तदा सर्वदा ये वाला सब उसमें आता है। अभ्यर्थितस् तदा तस्मय कौड़ो स्थानानि ततो, वो बोले मेरा शासन है, मुझे रहने के लिए जगह दो। आप तो सब प्रजा को शासन करने रहने के लिए दे रहे हैं जगह, क्योंकि जो राजा है सब खाली मानव नहीं उनका प्रजा है, वो राज्य में जो जानवर भी पैदा होता है वो भी उनका प्रजा में गिनती जाता है। कौड़ो स्थानानि ततो, वो कलयुग का स्थान दिए, क्या क्या स्थान दिए उसका द्वितीय पाद में उस श्लोका में वर्णन है। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्र अधर्म चतुर्विध, चार टाइप का अधर्म है, ये चार अधर्म में तुम बास करना। आप थोड़ा विचार पूर्वक देखिए, हम जो बोलते हैं पाप, इसको उनमें आएंगे तो आपको बोलेंगे ये वाला दुराचार है, पाप काम है, इसको आप नहीं करेंगे। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नेगेटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, इसको नहीं करना है। तो ये वाला प्रभुपद कहाँ से लिए, ये भागवतम का प्रथम स्कंद का 17 नंबर अध्याय, ये प्रिंसिपल इसकन में वो जोड़े। प्रभुपद को बोले आप इतना कड़ा आइन कर रहे हैं, अगर एक आइन को आप कोहल कर देंगे तो आपका हजार हजार लाखों लाखों पूरा सब जगह में आपके शिष्य होंगे। आप खाली ये जो इलिसिट से अवैध जौन संपर्क है उसको खाली थोड़ा छूट कर दो। फॉरन में उनका सब डिसाइपल उनको सजेशन दिए, वो बोले कि ये चार जो नियम है वो भक्ति के साथ इसका कुछ लेन देन नहीं है। ये चार नियम तुम अगर पालन करोगे तुम पशु से मानव बनोगे, मनुष्य बनोगे। मनुष्य बनने के बाद
पशु का जीवन रहता है, उसके बाद मनुष्य का जीवन रहता है, उसके बाद मनुष्य जीवन में देवोचित काम रहता है। आपका अगर गुण देवता जैसा व्यवहार होता है, चाली चलन होता है, आपका चरित्र होता है, तो आप देवता में गिनते जाते हैं। उसके बाद भक्त भक्ति करना है। तो प्रभुपाद बोले ये चार नियम पालन करेंगे तो तुम मनुष्य होंगे, भक्ति करना तो बहुत दूर का बात है। तो प्रभुपाद का कोई भी आप परपोट देखेंगे, वो शुरू होता है इलिसिट सेक्स, उसके बाद और तीन नियम उसको रहता है। तो चार जो नियम है, द्युतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। द्युतम मतलब जुआ खेलना, गैम्बलिंग्स, पानम मतलब नशा, खाना बेचना, जहाँ पर जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना, उसको अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना। और स्त्रीय सेक्स लाइफ विदाउट मैरिज, वैवाहिक जीवन के अलावा पुरुष के स्त्री के साथ, स्त्री के पुरुष के साथ जो संपर्क है उसको बोलते हैं अवैध जौन संपर्क। उसके बाद आ गया सुना व कौन से मांस खाना। आप बोलेंगे ये वाला खाली इंडिया में चलता है, दूसरे में कहाँ पर नहीं चलता। कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज़ देखिए, एक जो पुलिस हमारा रहता है, हमारा देश में आइन कानून जो रहता है, कोई अगर गलत चीज़ करता है उसको पनिशमेंट देते हैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है? आप थोड़ा भागवतम तो ये चीज़ बोल दिया, अभी आपका देश क्या बोल रहा है? कहाँ पर कोई अगर नशा खाकर कुछ झगड़ा कर रहा होगा पुलिस जाएगा या नहीं? कोई अगर कोई स्त्री को कमेंट मार रहा होगा, छेड़ रहा होगा, तो उधर भी जाएगा। कहाँ पर सपोज ये वाला स्टेट अभी अनाउंसमेंट हो गया काउ प्रोटेक्शन का, गोमाता का कत्ल नहीं होगा, कोई अगर न्यूज़ देता तो उसको भी पकड़ेंगे, है ना? नहीं, कोई अगर क्या गैम्बलिंग करते हैं, बड़े बड़े मैच वगैरह ये बारे में सब होता है, बेटिंग सी, उसको भी पकड़ते हैं। पुलिस को भी पता है ये वाला गलत चीज़ है, ईच इंडिविजुअल को भी पता है ये वाला गलत चीज़ है, और हर घर में जो भी है सबको पता है। इसलिए बाप बेटा एक साथ वो नशा नहीं करेंगे, वो जब रात हो जाएगा वो दूसरे जगह में करेगा, ये वाला दूसरे जगह में करेगा। और कलयुग में जब ये वाला कोई अगर इस्कॉन मंदिर को आता है, आप बोलते हैं, वो अगर बोलेगा, आप दो टाइप का मेम्बरशिप होते हैं, एक तो लाइफ मेम्बर ऑफ द इस्कॉन, लाइफ टाइम मेम्बर ऑफ द इस्कॉन। कोई अगर ये नियम पालन नहीं करता है तो प्रभुपाद उनको सेवा में लगाने के लिए उनको बोलते हैं, तुम इतना राशि दे दो, सपोज 15,000 दे दो, 35,000 दे दो, इस्कॉन का एक लाइफ मेंबर हो जाओ। आपका धन अगर भगवान का विग्रह का सेवा में लगेगा, और जो भी पैसा लक्ष्मी आता है इस्कॉन को और लक्ष्मी आता है, वो दो सेवा में लगता है, भगवान विग्रह का पूजा में लगता है और एक ग्रंथ छापने में लगता है, एक ग्रंथ छापने में। इसलिए कोई भी साधु इस्कॉन का है उनका बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, सब प्रभुपाद जब इस्कॉन बनाए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ, कौन पहले बार आए हैं ये वाला जो सत्संग चल रहा है, थोड़ा हाथ उठाइए। ओके, ये जो संस्था है ये है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जब गए थे 1966 में, 12 उनका जो नए भक्त थे उनको लेकर ये वाला रजिस्ट्रेशन किए थे अमेरिका में। ये रजिस्ट्रेशन जब किए थे तो उनका सब शिष्य वाला हंसे, वो लिखे थे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टैक्स एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो भी टैक्स है, जो भी उसका रेवेन्यू है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं करेगा। वो बोले हमारा तो फंडिंग ही कुछ नहीं है। और एक स्टोर हाउस, गैरेज स्टोर हाउस में ये वाला ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन हुआ था। प्रभुपाद को पता था कि फ्यूचर में जाकर ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोग को शेल्टर देगा। प्रभुपाद का जब जन्म हुआ था, उनका जब हॉरोस्कोप लिखे थे, वो ज्योतिष बोले थे दिस मैन विल क्रिएट ए होम इन विच ऑल द वर्ल्ड विल टेक शेल्टर। ये एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें हर पृथ्वी का लोग उसमें शेल्टर लेंगे। आप बोलेंगे जो मैं जो बोला, जो सपोज कोई धनी लोग है ये नीति नियम इस्कॉन का फॉलो नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद उसको कैसे सेवा में लगाएंगे? उसमें उसके उनका बहुत बोले ठीक है, तुम्हारा कुछ धन है तो धन भी भगवान के सेवा में लगाएंगे तो तुम नेक्स्ट जन्म जो है तुम्हारा मनुष्य जन्म ये श्योर है। इसलिए वो लाइफ मेंबरशिप स्कीम तैयार किए। और लाइफ टाइम इस्कॉन कौन ज्वाइन करते हैं? सपोज जो उसका नियम पालन करते हैं, चार नियम जो मैं बोला, अधर्म एक्टिविटीज़ है, और जो 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र जप करना। कलयुग में कोई अगर आता है इस्कॉन मंदिर में, उनको अगर बोलेंगे चार नियम पालन करो, कोई भी यूथ को बोलो, कोई अगर घर में है किसी को बोलो, वो बोलेंगे ये वाला चार नियम नहीं कर, ये चार चीज़ नहीं करेंगे तो जीवन में मज़ा क्या है ना? नहीं, अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो एरिस्टोक्रेटिक लोग नहीं बोलेंगे, दैट इज दिस कौन इज, वो एक लोग रईसदार है तो उसका वो क्या है, उसका निशान है। आप थोड़ा विचार करेंगे ये वाला चार चीज़ करने में हमारा यह काल
में हमारा भी अधोगति होता है, और परकाल मतलब शरीर छोड़ने के बाद हमारा आत्मा का जो गति होता है उसका भी हम अधोगति होता है। जैसे भगवद्गीता का श्लोक में एक है, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम गच्छति सत्वता मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य कर्म वृत्तिस्तो अधोगच्छन्ति तामसा। तीन गुण का प्रवृत्ति में हम जो कर्म करते हैं, कोई अगर तामसिक कार्य में लिप्त है, शास्त्र में वर्णन जो भी नीति नियम है उसको पालन नहीं करता, अगर पालन नहीं करेंगे उसका जो फल है, उसका जो पनिशमेंट है, आपको भोगना पड़ेगा। जघन्य गुण वृत्तिस्थ अध गच्छन्ति तामसा। अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर पशु जैसा हम काम करेंगे, भगवान बहुत कृपालु है, आपको पशु शरीर बिफिटिंग, यू डिजर्व टू गेट द एनिमल बॉडी। तो इसलिए कोई अगर मांसाहार करते हैं तो भगवान उनको जो परवर्ती जो जन्म होते हैं उनका एक मांसाहारी शरीर देते हैं, बाघ का सिंह का ऐसा शरीर दे देते हैं, क्योंकि वो परम पिता है, जो जैसा डिजायर करता है, इच्छा करता है, वो उसको उसका पूर्ण करते हैं। तो ये वाला जो श्लोक में बताया था, प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का 17 नंबर अध्याय का ये जो श्लोक है, जब कलिजुग प्रार्थना किया मुझे आप जगह दीजिए आपके साम्राज्य में रहने के लिए, तो उनको क्या क्या जगह दिए, चार दिए, द्योतम पानम स्त्री अस्त्री यत्र अधर्म चतुर्विदा। ये श्लोक बोलने के बाद, दो श्लोक के बाद वो बोल रहे हैं, एक लीडर, एक घर का जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति है, जो पिताजी है, एक पब्लिक का जो लीडर है, कोई राजा है, कोई धर्म प्रचार कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो श्लोक में बता रहे हैं। ये बहुत शिक्षणीय श्लोक है, ये वाला 17 नंबर अध्याय का 41 श्लोक। तो हमको पता है कि ये वाला गलत चीज़ है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसमें बताया गया है। 17:31 38 नंबर श्लोक में कलिजुग का चार स्थान वास के लिए दिए, उसके बाद हमारे लिए क्या इसको कैसे बचना चाहिए ये श्लोक में वर्णन है। अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित् विशेषतो धर्मशील राजा लोकपतिर गुरु। अथ ये जो शब्द है, कुछ डिस्कशन हो गया है, कुछ चर्चा हो गया है, उसके बाद कंक्लूजन आता है। अथवा अतएव एतानी न सेवेत, ये जो चार चीज में बताया, कलिजुग का जो वासस्थान है, द्युतम पानम सोना स्त्री, उसको गिमी आप याद रख सकते हैं, GIMI, गैम्बलिंग इंटॉक्सिकेशन मेडिटिंग इलिसिट सेक्स, एतानी न सेवेत, इसको कभी भी आप सेवा नहीं करेंगे, अपना पास में उसको नहीं लाएंगे। बुभुसु पुरुष कोचित, बुभुसु मतलब अगर आप अपना भलाई चाहते हैं, अपना परिवार का भलाई चाहते हैं, अपना देश का भलाई चाहते हैं, पुरुष क्वचित, आप बोलेंगे एक साल में एक एक बार भी होना चाहिए। कार्तिक का महीना जब होता है, कांदा लहसुन नॉनवेज सब छोड़ते हैं, उसके बाद का जो दिन होता है उड़ीसा में बोलते हैं छाड़ो खाई, छाड़ो मतलब मैं जो जिसको छोड़ा था और उसका इंटरेस्ट के साथ वो खाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इधर बोल रहे हैं अथ एतानी न सेवे, तो इसीलिए ये जो चार चीज़ को कोई भी सेवा देना नहीं चाहिए। बुभुसु अगर आपको चाहिए आपका भलाई, पुरुष क्वचित कभी भी इसको आप सेवा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस बता रहे हैं स्टार मार्क देखकर कौन कौन इसको सेवा नहीं करना चाहिए। विशेष हो तो धर्मशील, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लाल कपड़ा पहनकर प्रचार कर रहे हैं, साधु लोग प्रचार कर रहे हैं, ये चारों में ही सब अंदर चले जाते हैं। जितना भी बोलते हैं मैं भगवान हूँ, ऐसे धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, एक लड़की के पीछे अगर उसका पता चल जाता है कोई कैमरा में इधर उधर, तुरंत उनको भगवान का जन्मस्थान भेज देते हैं, क्या पर जेल में। विशेषतः धर्मशील, इसलिए जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, हम कंठी माला पहने हैं, तिलक पहने हैं, हम बोल रहे हैं कि हम हरे कृष्ण वाले हैं, इस्कन वाले हैं, हम एक भगवद्गीता भागवतम सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए अगर हम इसका सेवा करेंगे तो हमको बोलेंगे भंडा। अगर एक को भंडा बोल देते हैं, जैसे कोई अगर माँ लोग चावल पकाते हैं तो चावल सिद्ध हुआ या नहीं, एक चावल को अगर देखेंगे तो हो जाता है। इसी तरह अगर कोई एक गलत चीज़ कर रहा है तो पूरा परंपरा इस्कॉन प्रभुपाद ऐसे ही संस्था है उसको बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसीलिए धर्मशील लोगों को इसको नहीं करना चाहिए। आप मूर्ख भी हो, आप
क्या सपोज ऑटो चला रहे हैं, मूर्ख है आप, लेबर लग रहे हैं, जो अंगूठा चाप भी है उनको भी पता है कोई अगर साधु अगर ये चार चीज़ करता है वो भंडा है, हाँ या नहीं? इसके लिए कुछ पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं है। धर्मशीलो, जो धर्मशीलो होता है चार को कभी भी वो नहीं करेगा, और जो कर रहा है उसको प्रतिवाद करेगा, उसको प्रोत्साहन नहीं देगा। राजा, राजा जैसे हमारा बड़े बड़े मिनिस्टर है, घर का भी हम राजा रहता है। राजा लोकपाल पति गुरु, पति मतलब जो घर का जो स्वामी होते हैं, और गुरु, ये लोग अगर ये वाला चार चीज़ करते हैं तो उनका शासन करने का अधिकार नहीं है। वो कुछ बोलेगा तो कुछ भी शासन में नहीं कर सकते। सब हमारा जो शिक्षा होता है, दसवीं तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद प्लस टू आता है, उसके बाद इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह करते हैं। आप अगर देखिए ये तीन कैटेगरी का जो हमारा शिक्षा हम मिला है, जैसे हमारा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में वो टीचर का जो व्यक्तित्व है, अभी भी हम गाँव को जाएंगे तो उनको जब देखते हैं सम्मान करते हैं, उनका पाँव छू कर हम उनका आदर करते हैं। लेकिन जब हम बड़े बड़े क्लास में जाते हैं उनका जो व्यवहार चाली चलन वो इतना आदर्श नहीं होता है, इसलिए जो सम्मान रेस्पेक्ट ये डिमांड नहीं करते। आप हमारा चाली चलन ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक ही दूसरे का लोग को प्रभावित करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है, आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं घर का सपोज मैं घर का मुखिया हूँ तो मुझे कुछ भी करना चाहिए, नहीं। आपका एक बुरा आदत आपका जो जो भी आपका अंडर में है वो कुछ नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल है, नीति नियम प्रिंसिपल जो है, आप भारत में हो फॉरेन में हो ये सबके ऊपर लागू होता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद एव इतर जन, श्रेष्ठ लोग बुजुर्ग लोग बड़े लोग जो भी करते हैं वो छोटे लोग उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो हम अभी इधर जाएंगे, हम वासुदेव कथा कृष्ण कथा सुनने में हमारा फायदा क्या है? वासुदेव कथा प्रश्न पुमसाम त्रिन पुनाति ही, तीन प्रकार पुरुष को व जो सुनने वालों को पवित्र करता है। कौन कौन वो वाला है? भक्ताराम पुरुषकाम श्रोत्रेम। भक्ताराम जो भगवान कृष्ण का कथा को बोलता है, वो बोलने के समय में वो कुछ सोचता है और भगवान का जो परंपरागत जो ज्ञान है उसको ही बोलता है, वो अपना मन का कहानी नहीं बोलता। इसीलिए भगवत कथा भगवान का कथा जो है ये परंपरा में आना चाहिए और परंपरा में हम सुनना चाहिए। हम अगर इस सेम कथा को हम टीवी में देखते हैं, दूसरे में देखते हैं, जो बोलता है उसका चाली चलन होना चाहिए। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 4 नंबर श्लोक में बताया गया है, जो व्यास आसन में बैठेगा वो ये चार वो जो हमारा पाप से वो निवृत्त होना चाहिए। हालांकि हमारा जो पूर्व आश्रम है, जब हमको पता नहीं था, हम इंजीनियर कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे, उस टाइम में तो पता नहीं था ये वाला क्या नॉनवेज खाना, ये वाला करना, ये वाला हमारा पार्ट था। लेकिन जब पता होता है, इसलिए जब भगवत गीता व भागवतम का वाणी सुनते हैं तो दो चीज़ हमारा फायदा होता है, ज्ञान और वैराग्यम तुरंत हमारे हृदय में प्रकट होता है। वासुदेव भगवती आशु जनयति आशु वैराग्यम, ये प्रथम अध्याय का 2 नंबर श्लोक में है, उसमें बोलते हैं वैराग्य और जो ज्ञान है वो भक्ति करने से वो मिलता है। भक्ति देवी का 2 पुत्र है, वो ज्ञान है वैराग्य है, वो कैसे मिलता है? जब भगवान का हम भजन करेंगे। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम ज्ञानम च तद अहेतुकम। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितम, जब हमारा भक्ति को वासुदेव भगवान कृष्ण को हम करेंगे तब उसका फायदा क्या होगा? आपका हृदय में वैराग्य होगा और ज्ञान होगा। ज्ञान वैराग्य के लिए आपको अलग सा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे सूर्य का उदय होने के बाद अंधकार को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, तुम अंधेरा हट जाओ। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण का कथा सुनते हैं तो हमारा वैराग्य हृदय में उत्पन्न होता है। एक छोटा उदाहरण में आप समझ सकते हैं, कोई अगर 5 दिन उपवास है, ठीक है, 5 दिन उपवास है, उसके बाद क्या भूख लगता है हमको पता है। हम इसकन में 1 दिन पांडव निर्जला एकादशी करते हैं, और पारायण समय क्या होगा द्वादशी में हम देखते हैं, 3 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, और प्लेट लेकर खड़े होते हैं। 5 दिन कोई अगर उपवास है, वो अपना घर को आया और घर में
उनका स्त्री अच्छा पकवान बनाकर उनके सामने रख दिया। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके सामने बहुत चीज़ है, पुलाव कढ़ी फड़ी सब है, उसका अगर खाने के लिए जा रहे हैं, आपका माँ आकर आपका कान में बोला, बेटा इसके अंदर आप तुम्हारा जो पत्नी है ना विष डाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसको खाएंगे या नहीं खाएंगे? कोई भी हाथ उठाकर बता सकते हैं, खाएंगे या नहीं खाएंगे? आपको भूख लग रहा है, वो बोलेंगे खाएंगे तो मर जाएंगे, विष तो आप पहले भी नहीं खाए, लेकिन आप सुनने के बाद माँ का शब्द में इतना विश्वास हो जाता है कि 5 दिन का भूख को संभाल कर भी नहीं खा रहे। तो इसीलिए साधु का शास्त्र का इसका जब कथा सुनते हैं, ऑटोमेटिक ये गलत चीज़ करने के लिए हमारी इच्छा नहीं होता है। और जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, आप बोलेंगे मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, वो बोलेंगे कुछ नहीं, तुम जो खाना है करो, जो करना है करो, लेकिन माला करो, माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र करो, ओ कृष्णा तुम्हारे हृदय में जाकर वो काम करेगा। कृष्णा का काम क्या है? वो झाड़ूदार। हृदय में जितना भी हमारा गंदगी है, आपका ड्रेस में कुछ गंदगी है, सर्व एक्सल में सब कर सकते हैं। हृदय का गंदगी को भगवान कृष्ण का नाम जो सूर्य सम है, कृष्णा है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं मायार अधिकार। वो जब नाम कर्नर अंदर में प्रवेश करेगा, हृदय का मैला को साफ करेगा। आप बोलेंगे ये वाला मैकेनिज्म कहाँ, कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? एक छोटा उदाहरण में देख सकते हैं। सपोज कोई अगर प्रभु जी इधर है, मुझे पता नहीं है, उनका माँ बहन लेकर पूरा 14 पुरुष लेकर उसको गाली दिया, अभी उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर गाली करूँगा उनका हृदय को लगेगा तो झगड़ा होगा, हाथापाई होगा, अगर ज़्यादा होगा तो हम उन दूसरे को भी मर्डर भी कर सकते हैं। आप इधर विचार कीजिए, मैं क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ गलत चीज़ बोल दिया, गलत चीज़ का इतना प्रभाव है, कान के अंदर गुस्सा, हृदय में कुछ कर दिया, क्रोध आ गया, भाई भाई में झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी में होता है, देश देश में होता है, और देवता असुर में होता है ना? नहीं, इसका सब कोई बोलने के कारण भी ऐसे में क्यों बोला, झगड़ा होता है। अगर खराब शब्द का इतना प्रभाव है, वो ध्वंस लाकर प्रलय कर सकता है। प्रभुपाद 40 रुपया लाकर, इसलिए बोलते हैं इस्कन जो संस्था है वो 40 रुपये का संस्था है, 40 रुपया लेकर वो गए थे उस समय अमेरिका जाने के बाद, 12 साल के बाद वो भगवान का भजन किए, नारायण का भजन किए, और इतना लक्ष्मी भाई इतना पैसा आया 12 साल के बाद, $40 मिलियन प्रॉपर्टी था, 108 का मंदिर स्थापन था, कितना गुरुकुल और कितना हुआ था। तो इसीलिए आप विचार करेंगे, यहाँ लक्ष्मी पूजा होता है, यहाँ पर एरिया में दिवाली के समय जो लक्ष्मी पूजा होता है, लक्ष्मी का विग्रह होता है, और लक्ष्मी का वाहन आप देखे होंगे क्या होता है, उल्लू रहता है। अगर आप खाली लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, खाली अगर पैसा के पीछे भागेंगे, आपका जो धन आएगा वो बिकटाला लक्ष्मी बोलते हैं, आपके पास इतना अंधा कर देगा, बड़े लोग को कैसे व्यवहार करना चाहिए, बोलना चाहिए, वो घमंड के कारण आप अंधे होकर सब व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर नारायण को पूजा करते हैं तो नारायण के साथ जो लक्ष्मी आते हैं वो गरुड़ वाहन में आते हैं, और सुख संपत्ति लेकर आपके हृदय में आते हैं। इसलिए कभी भी आप देखेंगे नारायण का विग्रह, नारायण लक्ष्मी, वो गरुड़ के ऊपर आते हैं, वहाँ पर कहाँ पर आपको उल्लू नहीं नजर आएगा, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रभुपाद वहाँ पर जब गए थे, वो वहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किए थे, उनको महाप्रसाद खिलाए थे, कंठी माला तुलसी डालकर उनको कीर्तन कैसे करना है सिखाए थे, और प्रभुपाद का जो ऐसे अपार्टमेंट में प्रभुपाद उनका सेंटर सब शुरू किए थे, और पड़ोसी लोग बहुत जलते थे, इनके पास नौकरी नहीं जाते हैं, सुबह शाम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, और उनका जो खाना है, ऐसे नहीं साधु होने के बाद खाली राइस दाल और चपाती खाएंगे, इस्कॉन वाले क्या क्या खाते हैं आपको पता होना चाहिए, राजभोग, क्योंकि भगवान का झूठा खाएंगे तो भगवान जो राजा है एक एक भारत का नहीं है, पूरा विश्व ब्रह्मांड का राजा है, तो राजा जो होगा तो राजथाट में रहेगा, तो उनका जो उचिष्ट है वो खाएगा। कोई भी जनरल नौकर होता है किसी आईएएस ऑफिसर का, वो जैसे खाएगा, जो कार में जाएगा वो वैसे ही उनका रहना खाना पीना हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग को डाउट है, कुछ करते नहीं कि कुछ नहीं करते, आप कैसे ऐसे रहते हैं, क्योंकि हम भगवान को पकड़े हैं, और भगवान को पकड़ेंगे तो लक्ष्मी भागेंगे नहीं, उनका चरण कमल में रहेंगे। लोग आकर, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ट्रेन फ्लाइट में घूमते हैं, आकर वो देते हैं, अपने घर को बुलाएंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, दक्षिणा देंगे और घी में पकवान देंगे, है ना? नहीं, वो किसी का अगर डायबिटीज़ है वो अपना पत्नी को बोलेगा तुम तो मुझसे इतना आदर नहीं करते, साधु लोग को अच्छा से खिला रहे हैं। तो ये है प्रभुपाद जो संस्था बनाए हैं, आपका पेट कभी खाली नहीं रहेगा, और ऐसे ही मौज मजलिस में दिन जाएगा, क्योंकि भगवान का धाम में किसी का अगर एंजॉयमेंट चाहिए, किसी का बारात हो रहा है, किसी का शादी हो रहा है, एंजॉयमेंट के लिए क्या चाहिए? अच्छा पकवान होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, डांस अच्छा होना चाहिए, नाचना होना चाहिए। तो गौरंग महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु का भगवान कृष्ण का जो अवतार है, वो तो भगवद्गीता में बताकर चले गए अर्जुन को, सर्वधर्मम परित्यज मामेकम शरणम व्रज, उसके बाद तुम मेरे धाम को आ जाओ। वो गोलोक वृंदावन जब गए, टाइम चला गया और कोई लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, वो बोले सर्व धर्म को छोड़ो,
और फिर भी मेरे पास कोई नहीं आ रहे, तो चिंता में कि कैसे सर्वधर्म को छोड़ना है मुझे नहीं बताया। इसलिए कलयुग में सर्वधर्म कैसे छोड़ना है वो तीन चीज़ करके बताए, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। दबा कर कीर्तन में डांस करो, थक जाएंगे, अच्छा फीस्ट खाओ, उसके बाद नाचो, अच्छा से नाचना चाहिए, अच्छा से खाना चाहिए, अच्छा से गाना चाहिए। ये चीज़ लोग पैसा देकर बाहर करते हैं। कोई अगर बार में जाएंगे, लड़की पकड़ कर डांसेंगे। मेरा एक दोस्त गया था, मैं जब बीटेक में पढ़ रहा था, वो गया था इंटरव्यू देने के लिए बॉम्बे, 5-10 मिनट के साथ एक लड़की को पकड़ कर डांस किया, वो लिया 800 रुपया उस टाइम। तो अगर हम ये वाला कर तो देते हैं, जब हम मरण आएगा, जब जमराज का दूत आएंगे, तब आपको जमराज का दूत जब हमको पनिशमेंट देते हैं, हमको क्या पनिशमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमको सजा देते हैं, तो हमको एक जातना शरीर देते हैं, आत्मा और उसके ऊपर मनोबुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर रहता है, उसके ऊपर एक जो शरीर देते हैं उसको जातना शरीर देते हैं। वो जातना शरीर का गुण क्या है, एक सुई अगर हमको चुबाते हैं तो 1,00,000 सुई जैसे चुभता है उसे लगेगा और तुम मरोगे नहीं, ऐसे पनिशमेंट मिलता है। तो वो जो पनिशमेंट देते हैं वो अपना पूर्व वो मनुष्य शरीर में क्या क्या गलत चीज़ कर किया है उसको बोलकर पनिशमेंट देते हैं। इसको वाले उनको संडे फीस्ट में बुलाए नाचने के लिए, तुम उधर नहीं नाचा, इधर नाचा, धूम पीटते हैं। ये वाला वर्णन है पंचम स्कंद 28 नंबर अध्याय में वर्णन है, कौन सा 28 टाइप का नर्क वो सैंपल दिए हैं टेलर्स। उसके बाद भी फिल्म बहुत है, हज़ार टाइप का नर्क है। जो दारू पीते हैं उनको मुँह खोल कर तरल और जो लिक्विडी हॉट आयरन को उसको डालेंगे, अय मतलब इसको बोलते हैं आयरन, अय पाना नर्क, वो नर्क का नाम है जो दारू पीने वाला उधर जाएंगे। उनको मुँह खोल कर प्रभुपाद उसका चित्र भी वर्णन किए लिखे बनाए हैं, कहाँ पर हमारा भगवद गीता का उसमें बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो चित्र है काल्पनिक नहीं है, कोई अगर शुद्ध सातु होते हैं तो उनका हृदय में ये वाला चित्र वो देखते हैं, जैसे हम टेलीविज़न में देखते हैं, उनका हृदय में ये वाला भगवान पर दिखाते हैं। क्योंकि जब कोई वफादार लोग होते हैं, जब सपोज जो पत्नी होते हैं 25 साल पति का सेवा करने के बाद, वो सब प्रॉपर्टी अपना हस्बैंड का, पति का सब प्रॉपर्टी का मालिक वही होता है ना। तो इसीलिए अगर भगवान का कोई नीचे जन होता है, ये प्रकृति अपना अपना जो सूक्ष्म तत्व है उसके सामने खोलते हैं। एक सत्य घटना है, हमारा जो सेकंड चांस बुक है, सेकंड चांस इंग्लिश का उसका नाम है, हिंदी का नाम क्या है, द्वितीय जन्म। अजामिल का चरित्र है, षष्ठ स्कंद का 3 अध्याय का अजामिल का चरित्र है। अजामिल जो है कनौज हमारा कानपुर का एक ब्राह्मण थे, और वो जंगल को गए थे, उनका पिताजी का यज्ञ के लिए फूल फल और सब जो काठ वगैरह लाने के लिए जलाने के लिए, उस समय वहाँ पर एक सुंदर सुंदरानी आलिंगन किए थे, उसको देख दिए थे, और देखने के बाद बहुत मंत्र उच्चारण किए, उसको भूलने के लिए चेष्टा किए, फिर भी नहीं कर पाए। जब वो घर को आए, उनका वही जो सुंदरानी का जो दृश्य उनको सामने आ रहा था, और वो क्या किए, वो सुंदरानी वो जो वेश्या था उसको ला कर अपना घर में रखे, अपना पत्नी को निकाल दिए, उसके बाद अपना जो बूढ़े माँ बाप उनको सब निकाल दिए, और वो सुंदरानी का गर्भ से 10 बेटा पैदा किए, और लास्ट बेटा जो था उसका नाम एक उनको नारायण दिए थे। वो नारायण देने से पीछे भी और एक पुराण में वर्णन है, जब अजामिल का जो प्रोफेशन था वो डाकू करना, किसी को लूटपाट करना, किसी को झूठ बोलकर और जुआ खेलकर उसको लाना, सब पैसा लाकर वो वेश्या का भरण कर रहा था। और एक दिन नहीं, लोमस ऋषि जो है उनका शरीर में खाली लोम है, और एक लोम गिरेगा तो एक कल्प में एक लोम गिरता है, पूरा लोम जब शरीर में गिर जाएगा तो उनका अंत होगा। वो भिक्षा करने के लिए आए थे, यहाँ पर बोल रहे थे कहाँ पर एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का घर में मैं थोड़ा प्रसाद लूँगा, और सब गाँव का लोग चिढ़ाने के लिए उनको बोले, हाँ एकदम परम ब्राह्मण है वो, वहाँ पर रहता है, उनका 10 बेटा है, आप उनके घर में जाओ। जब उधर आए तो अजामिल का जो स्त्री है वो गर्भवती था, 9 उनका पुत्र हो गया था, लास्ट पुत्र था, और उनको देखकर उनको पता चल गया कि ये जो स्त्री है ये कुलीन स्त्री नहीं है। फिर भी साधु का हृदय जो होता है वो हमेशा परोपकार में लगता है। प्रभुपाद भी जब गए थे अमेरिका, वहाँ पर कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति नहीं आता उनका क्लास सुनने के लिए भगवद गीता भागवतम, जो आ रहे थे सब नशा कर गर्लफ्रेंड लेकर 15 दिन स्नान नहीं कर कर ऐसे आ रहे थे। फिर भी उनको गुरु का निर्देश था, तुम जाकर पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी में भगवद गीता भागवतम का वाणी प्रचार करो, क्योंकि
अमेरिका में पैसा का कमी नहीं था, ये जो भगवान कृष्ण का ज्ञान का कमी के कारण हमको दुख मिलता है। प्रथम साक्षात्कार में प्रभुपाद को जब 22 साल हुआ था, उनका दोस्त उल्टा डंगा, वो जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो छत के ऊपर थे, उनको ले गए थे, तो उनको बोले कि आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आप ये भगवद्गीता भागवतों का वाणी क्यों वो पाश्चात्य जगत में नहीं ले रहे हैं। उस समय प्रभुपाद जो थे स्वाधीनता संग्रामी महात्मा गांधी का फॉलोअर थे, वो बोले हमारा देश तो पराधीन है, आपका भगवद्गीता भागवतों का वाणी क्यों कोई क्यों सुनेगा, पराधीन में क्यों सुनेगा। वो बोले आज ब्रिटिश शासन कर रहा है, पहले मुगल शासन कर रहा था, परसों और कोई शासन करेगा। लोग का अशांति दुख सुख दुख का कारण है वो भगवान से विमुख है, इसलिए दुख मिल रहा है। इसका प्रकट उदाहरण आप जहाँ जो भी है, आप दो पीढ़ी पहले देखो, अपना ग्रैंडफादर को देखो, अपना फादर को देखो। ग्रैंडफादर का ज़माने में एक लोग का 4-8 dozen भी उनका क्या संतान संतति थे, फिर भी वो कभी फैमिली प्लानिंग नसबंदी ये वाला कभी नहीं किए थे। वो जितना भी सपोज वो खेती किया होगा, उसको अगर बोलेंगे अरे तुम्हारा 8 बेटी है, कैसे उसको उठाओगे, हाँ ऊपर वाला दिया है, ऊपर वाला उसको उठाने के लिए जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि भगवत विश्वास था। शाम को जब हो रहा था, शाम को आकर भगवद्गीता भागवतम रामायण का भागवत टुंगी वगैरह में सुनते थे, इसलिए उनका भगवत विश्वास के कारण उनका नेचुरल डेथ हो रहा था, इतना अभाव में नहीं थे, बहुत प्रकृति भी बहुत सुख था। उसके बाद हमारा पिताजी का जनरेशन आ गया। उस समय अगर कोई नौकरी कर रहा है, उनको बोलते हैं अरे इसके घर में चावल खाने के लिए नहीं है, उनका जमीन नहीं है, ये दूसरे के पास नौकर होकर खा रहे। अभी का जमाना, हमारा ज़माना में अगर नौकरी कर रहे हैं मतलब आपका वाह वाह होता है, अगर खेती कर रहे हैं अरे तुम नालायक है ना, नहीं। समय वही है, 3 पीढ़ी के अंदर भगवत विश्वास इतना कम हो गया है। अभी हमारे पास प्रचुर धर्म है, प्रचुर धन है, सब कुछ है, फिर भी हमारे मेडिसिन लेकर रात को सोते हैं। ये सबका क्या निजी अनुभव है। इसका मेन कारण प्रभुपाद का गुरु बोले कि ये भगवान का विषय का, इट इज़ द लैक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवत तत्व भगवान कृष्ण का ज्ञान का अभाव के कारण वो दुख और कष्ट में है। और एक बोले प्रभुपाद का शिष्य, आप बोल रहे हैं कि अगर कोई अगर 4 नियम 16 माला पालन करेंगे तो मैं उसका टेक केयर करूँगा। वो बोले अगर पृथ्वी का सब लोग आ जाएंगे इसको उनको तो क्या होगा। प्रभुपाद उस समय अपना जप माला में जप कर रहे थे, 16 माला हुआ, अपना बीड बैग को ऐसे रखे। वो बोले कि कोई अगर 4 नियम 16 माला का जप करेगा, वो खाली इस्कन में बैठकर खाएगा, इस्कन का द्वार उसके लिए ओपन है। हरे कृष्णा चैलेंज एक बुक है, उसमें इसका वर्णन है। लेकिन कोई ये 4 चीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं। कोई अगर 4 नियम पालन करेंगे, हमारे साथ आइए, 3 टाइम खाने के लिए देंगे, नचाएंगे गाएंगे, हर जगह में बुलाने के लिए लेंगे, आप अगर कोई भी तैयार है आप आ सकते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जब उसका नामकरण हो रहा था, प्रभुपाद को बोले कि आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्णकरण आप इसका नाम करना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोले कि ये जो गॉड वर्ड इट इज़ ए वेग टर्म, ये वाला किसी व्यक्ति को निर्णय नहीं करता है। भगवान जो है उसका नाम है कृष्ण, जो परम पुरुष है, इसीलिए मैं एम्फैथेटिकली मैं जान बूझ कर दिया हूँ कृष्ण, क्योंकि भविष्य में आकर कोई भी उसको गलत कर सकता है। जैसे बहुत भगवान है ना, नहीं बहुत आदमी को भी हम भगवान बना देते हैं, इसी के कारण हम किधर से किधर आ गए मुझे पता नहीं, छूट गए। हाँ, अजामिल का कथा, वो अजामिल का कथा में जब अजामिल गया था अपना प्रोफेशन के लिए और पैसा लाएगा तो अपना पत्नी को पोषण करेगा, उस समय पत्नी का जो गर्भ में था लोमस ऋषि आए थे, लोमस ऋषि का जो आयु है उनका शरीर में जितना लोम है वो जब पूरा नीचे गिर जाएगा तब उनका देहांत होगा, और लोमस का एक लोम गिरने के लिए 1 कल्प लगता है जो ब्रह्मा का आयु है। तो लोमस ऋषि जब देखे कि ये ब्राह्मण है लेकिन कुलीन नहीं है और हमेशा साधु दूसरे का कल्याण करने के लिए चाहते हैं, तो वो बोले कि तुम्हारा ये वाला जो गर्भ है ये पुत्र संतान होगा और इसका नाम तुम देगा नारायण, तो उनका नाम नारायण दिए। जब वो अजामिल जब शाम को आया तो उनको बोले एक साधु आए थे और हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं था, और वो बोले कि जब मेरा कोख में बेटा है और जब इसका जन्म होगा तो उसका नाम नारायण देंगे। जब उसका नाम नारायण दिए हैं तो अजामिल जब छोटा बच्चा के प्रति माँ और बाप का बहुत प्रेम रहता है, वो हमेशा नारायण नारायण बोलते हैं, नारायण तुम इधर आओ, मेरा
गोद में बैठो, तुम ये खा लो, ये पी लो, वो सब बताते हैं। और इसके नारायण दिन का अर्थ में वहाँ पर वर्णन है, अजामिल जब गृहस्थ आश्रम में थे तब उनका नारायण शालग्राम शिला को वो क्या उपासना कर रहे थे, इसीलिए नारायण शब्द तो उनका जिह्वा में आएगा, लोम स्तुति को पता था, इसीलिए उनको नाम दे दिया था नारायण। और ये अजामिल का जो चरित्र है उनको ए वाला समय में जो जब दसवा उनका पुत्र हुआ 85 उनका एज था, और वहाँ पर वर्णन है कि ए वाला जो कथा है ये एक पूर्व काल का कलिजुग का कथा है, ये सत्ययुग का कथा नहीं है। अगर 85 में वो बूढ़ा हो रहा है तो कलिजुग में ही हमारा लाइफ स्पान 100 साल है, तो कलिजुग का कथा है। और जब वो पूरा एकदम पूरा वृद्ध हो गया है और शरीर छोड़ने वाला है, उस समय 3 जमदूत तो उसको आ रहे हैं, और 3 जमदूत तो क्योंकि काया मन वाक्य में वो पाप किया है, वो ब्राह्मण का संतान है फिर भी वो पाप किया है, और 3 जमदूत आकर जम फांस रहता है, जम का एक डोरी रहता है, जमदूत आकर उनका गला में डालकर उसको खींचते हैं। वो जब खींचते हैं वो अपना पुत्र को पुकार रहा, नारायण नारायण नारायण। उस समय 4 विष्णुदूत आकर उनके सामने प्रकट हुए और विष्णुदूत और जमदूत का वार्ता हुआ, वो वार्ता को अजामिल सब सुने और वहाँ पर नाम का महिमा प्रकट हुआ। वहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम एक हरे कृष्ण का शुद्ध नाम करते हैं तो हम अपना जीवन में जितना पाप नहीं कर सकते हैं उसको मतलब क्या नलीफाई करने के लिए भगवान का एक कृष्ण नाम सफिशेंट है। तो हम जो ये माला पर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ये हरि नाम का 3 स्तर रहता है, एक नाम अपराध का स्तर, एक है नाम आभास का स्तर, एक है शुद्ध नाम। एक शुद्ध नाम करने से भगवान कृष्ण का प्रेम मिलने का आप योग्यता आ जाता है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कब एक शुद्ध नाम करेंगे। तो अभी हम इधर आते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न है, पुरुषम त्रिन पुनाति ही, 3 चीज को और 3 पुरुष को वो पवित्र करता है। वक्ताराम पृच्छकम सत्रम, जो भगवान के बारे में बोलता है, भगवान का लीला नाम रूप गुण लीला को जो व्याख्या करता है, जो बोलता है शास्त्र के अनुसार, पृच्छकम कोई अगर जिज्ञासा करता है, आप जो बोले हैं मैं मेरा ये वाला क्लियर करने के लिए कोई डाउट होता है तो वो खड़े होकर पूछता है, उसको पृच्छकम बोलते हैं। भरी सभा में कोई भी पूछ नहीं सकता, कोई सपोज जिसका जिज्ञासा है वो पूछेगा, और लोग कुछ बोले भी नहीं और कुछ पूछे भी नहीं क्वेश्चन, फिर भी ये दोनों का बात वो सुनते हैं, उसको बोलते हैं श्रुतिम्स। ये 3 लोग को पवित्र करता है। कैसा पवित्र करता है उसका उदाहरण बोल रहे हैं, तत्पाद सलिलम यथा। तत्पाद मतलब भगवान का चरण कमल में जब गंगा प्रवाहित होता है वो त्रिभुवन को पवित्र करता है। मर्त्य में जब गंगा प्रवाहित होता है उसका नाम भगीरथी है। स्वर्ग में जब प्रवाहित होता है उसका नाम मंदाकिनी। पाताल लोक भी जब जाता है उसका नाम है भोगवती। इसीलिए गंगा का जो प्रवाह है ये 3 लोक में उसका प्रवाह होता है। और गंगा क्यों ये पवित्रता उसका अंदर आता है, क्योंकि भगवान का चरण कमल का जो रज है उसका जो धूल कणा है वो पवित्र करने वाला है। भगवान कृष्ण का हर चीज़ पवित्र करने वाला है। अभी जब ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हमारा हर इंद्रिया में हम घुसाएंगे, इफ़ ऑल दी होल इज फिल्ड विथ कंप्लीट होल कृष्णा, प्रत्येक द्वार हमारा अगर भगवान कृष्ण से हम भर देंगे तो हम पवित्र हो सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवान का कथा में है, कृष्ण कथा हमारे कान को पवित्र करता है, कृष्ण विग्रह हमारा आँख को पवित्र करता है, कृष्ण का प्रसाद हमारे जिह्वा को पवित्र करता है, कृष्ण भक्त का संग हमारा चित्त को पवित्र करता है। हर चीज़ ही भगवान कृष्ण के साथ जो जड़ित है। कृष्ण बहुत रूप से विस्तार करता है, साधु विग्रह और धाम उसका शास्त्र सब कृष्ण का है। इसलिए हर चीज़ अगर हम कृष्ण से जोड़ते हैं तो हम पवित्र होते हैं। पवित्र का भाषा क्या है उसका, पवित्र मतलब 3 गुण से हमारा हृदय जैसे कलुषित होता है, एक गुण का प्रभाव से हम जब ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम पवित्र हुए हैं। सपोज पहले जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे कि हमको इस्कॉन क्या है पता नहीं था, तो जीवन का जो एन्जॉयमेंट है वो क्या, नशा करो, इधर घूमने के लिए जाओ, यहाँ पर काम पर होटल में जाकर खाओ, नॉनवेज खाओ, ये वाला हमका जीवन का एन्जॉयमेंट का परिभाषा ये वाला था। लेकिन अभी का परिस्थिति में ये 4 तो हम नहीं करते, फिर भी हम नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के कीर्तन में जाते हैं, कोई धाम में जाकर कथा करते हैं, वहाँ पर भी एन्जॉयमेंट है। अभी देखो लॉकडाउन के पीरियड के टाइम में
अभी गवर्नमेंट को भी पता है लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे घर में, उनको कंट्रोल करना चाहिए, तुरंत रामायण महाभारत टेलीकास्ट किए, क्योंकि धार्मिक चीज आपको आपका परिवार को एकत्रित कर सकता है। अगर वही टेलीविजन में जब हम दूसरा चीज़ देखते हैं, परिवार क्या आपका अलग अलग परिवार हो जाता है, कैसे सास से बंटवार कर अलग रहना चाहिए, ये वाला सब उधर से सीखते हैं। रामायण महाभारत का जब टेलीकास्ट हो रहा था, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, 9 बज जाएगा अगर पावर कट हो जाएगा तो वो गांव का लोग वो ट्रांसफर को जला देते थे, इतना वो एडिक्शन था वो रामायण महाभारत। आप किसी को उसका सब्स्टिट्यूट में आप रख नहीं सकते, एक आदमी 3-4 मूवी देखकर उसको शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा का जो भूख है वो भगवान का कथा श्रवण कीर्तन में भी रहेंगे। अभी का टाइम हम 11 बजे शुरू किए थे 10:30 से, अभी 12:30 हो गया, ये 2 घंटा 2 मिनट चुटकी के जैसा चला गया, हरी कथा है। इसलिए ये वाला हृदय आत्मा जो चीज़ से बना है वो सत चित आनंद से बना है, सत का मतलब इटर्निटी, हमेशा वो वही चीज़ रखना चाहेगा। किसी आदमी को आप पकड़ो उसको बोलोगे, वो बोलेगा मैं हमेशा जवानी रहना चाहता हूँ, कभी मरना नहीं चाहता हूँ। हमारा फीलिंग्स है, हम साधु होने के बाद भी अभी भी हमारा फीलिंग्स है मैं मरूंगा नहीं, ये क्यों? क्योंकि आत्मा का जो सत गुण है वो जो सत चीज़ है हमेशा वो जवानी रहना चाहता है और मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए आत्मा को बोलते हैं सच्चिदानंद। कोई भी शरीर छोड़ने के बाद बोलते हैं, और क्योंकि वो आत्मा है, वो आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का जो 3 चीज़ है ये सत के कारण हम कभी भी मरने नहीं चाहते हैं। और इसी को छुपाने के लिए जितना भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है बुढ़ापा को छुपाने के लिए, 4 जो हमारा मेन प्रॉब्लम है ह्यूमन बींग्स का व आदमी का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म होना बहुत कष्ट है, क्योंकि 9 महीना 10 महीना वो गर्भ में रहेगा, और गर्भ में कैसे रहेगा तृतीय स्कंध में गर्भस्तुति में वर्णन है, एक बच्चा कैसा पौधा नहीं, फिफ्थ कैंटो पंचम स्कंध में वर्णन है। अभी भी जब हमारे मेडिकल साइंस में कोई अगर गायनोलॉजिस्ट है, मैरिज के बाद माँ और पिताजी का जो संगम के बाद 5 दिन के बाद एक जो बेर का फल होता है ना, वो जो भ्रूण होता है वैसे साइज होता है, 3 महीने के बाद उसका 9 द्वारा होता है, और 7 महीने के बाद उसका चेतना आता है, आत्मा होता है उसके अंदर, और उसका जो रिपोर्ट है कि भागवतम में वही सेम चीज़ बनाया गया है, सेम वर्णन है। और मेडिकल साइंस अभी भी जो देख रहा है कैसे उनका कंसीव से एक छोटा शिशु जन्म होता है उसका वर्णन भी सेम है, 7 महीना में क्या होगा, हार्ट बीट कब होगा, वो सब वर्णन भागवतम से मैच कर रहा है। इसलिए भागवतम जो पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं कि ये वाला साइंस नहीं है, ये वाला जो साइंस है वो स्पिरिचुअल साइंस है, इट इज़ एबव द मेटेरियल साइंस। तो किधर हम चले गए, पता नहीं कहाँ से गए, हाँ क्यों इधर गए, ठीक है। वक्ताराम पृच्छकम् सति तत्पाद सलिलम् यथा, गंगा के बारे में हम बोल रहे थे, गंगा जो है त्रिभुवन को पवित्र करता है, क्यों करता है, भगवान का चरण कमल का रज जो है उसका जो धूलि है उसको धो कर आता है, इसलिए वो पवित्र करने का क्षमता रखता है। उसके बाद हम बोले कि पवित्र मतलब क्या है, ये जो 3 गुण है सत्व रजक तम गुण का प्रभाव से हम जब ऊपर उठते हैं, तम गुण का लक्षण क्या है, तम गुण का लक्षण है निद्रा आलस्य दीर्घसूत्रता, हमेशा सोने के लिए इच्छा होगा, कोई काम करने में स्मृति नहीं होगा, वो उसको कल करूँगा मैं जाऊँगा, और प्रमाद मतलब पढ़ाई करने के बाद वो बोलेगा मैं क्या करूँगा कैसे जॉब करूँगा, ऐसे जॉब सब विचार आता है उसको तामसिक गुण बोलते हैं। राजसिक गुण क्या है, हमेशा वो क्या बड़ा होने के लिए जो गुण रहता है, नौकरी करूँगा ये करूँगा इधर फ्लैट किनूँगा, ये राजसिक गुण है। सत्व गुण क्या है, सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और सुख। सत्व गुण का लोग जो है वो विचारवंत रहते हैं, उनके पास ज्ञान रहता है यह जगत क्या है और जो गोलोक वृंदावन क्या है, और वो सुख में रहते हैं। इसलिए जो भक्ति जो चीज़ है ये 3 गुण से परे है, वो जो गुण है उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। तत्प्रीत्यर्थ कर्म, भगवान का प्रीति विधान के लिए जो चीज़ करते हैं वो शुद्ध सत्व गुण में जाता है, और वो शुद्ध सत्व गुण में ही हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए जो नीति नियम है सुबह उठना और जो मंगल आरती करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करना, जप करना और 3 टाइम ही भगवान का प्रसाद खाना, ये करेंगे तो हमारा सत्व गुण बढ़ता है, और सत्व गुण बढ़ेगा तो कलयुग में भी आप 100 साल जीने का क्षमता है।
हमारा आयु क्यों कम होता है? प्रथम स्कंद में दशम प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का दशम नंबर श्लोक में उधर वर्णन है, प्रायण आल्पायुष सभ्य कलाउ यस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। एक कलिजुग का लक्षण बताया गया, प्रायण अल्पायुष सभ्य, सबका आयु कम हो जाएगा। एक कोरोना के समय में मेरा माँ का बहन को क्या बोलते हैं, मेरा मौसी का दो बेटा है, उनका हाइट है मेरे से ज़्यादा, मेरे से छोटे है और वेट भी है, पूरा असुर जैसा उसका पूरा वेट है, क्योंकि वो सब नॉनवेज खाते थे, ये वाला खाते थे। उनका पिताजी है, दो मौसी है और मौसा है, कोरोना में अफेक्ट हुआ, दोनों का शरीर छोड़ दिए, उनका छोटा छोटा बच्चे है ना। नहीं, अभी कलिजुग का प्रभाव में हम अगर नीति नियम नहीं मानेंगे, पिताजी रहेगा तुम्हारे सामने, तुम्हारा बेटा का अर्थी जाएगा। ये वाला वर्णन हुआ है अष्टम अध्याय का अष्टम प्रथम स्कंद का अष्टम अध्याय में वर्णन है। एक में उसका दृष्टांत दूंगा। हमारा आप बोलेंगे शास्त्र का नित्य नियम नहीं मानने से हमारा क्या बिगड़ जाता है, मैं नहीं मारूंगा आप, मेरा क्या बिगड़ेगा, आपका क्या बिगड़ेगा, इधर से वर्णन है। यहाँ पर द्रौपदी जो थे वो जो थे पूरा कुरु वंश का वो बहुत है, और जो सभा में वो उनको लाए थे उसको असत सभा बोला गया था। 20 लाख जो राजकुमार लोग थे वो सभा में उपस्थित थे, और उस वहाँ पर जब दुशासन उनको भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए चेष्टा किए, उसी समय ही जितना भी राजा लोग उसका अनुमति दिए थे और कोई अगर ना भी नहीं बोला था, उनका उसी दिन ही उनका आयु क्षय हो गया था। वहाँ पर एक श्लोक है, वहाँ पर वर्णन है कचस्पर्श क्षत आयु। जब कचा मतलब उनका जो बेणी को जब पकड़ा दुशासन, एक दुशासन पकड़ा था तो उनका आयु क्षय होना चाहिए था, वो युद्ध में मरना चाहिए था। वहाँ पर वर्णन है उसी क्षय में उसी समय जो ओ वाला असत सभा, ये सभा जो है वहाँ पर धृतराष्ट्र है, भीष्म है, द्रोण है, बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, फिर भी उधर बोल रहे असत सभा, क्योंकि ये जो घृणित एक्टिविटी, ये जो जघन्य एक्टिविटीज है, बा एक सभा में एक नारी को निर्वस्त्र कर रहा है, उसी समय ही सबका आयु क्षय हो गया। कचस्पर्श क्षत आयु, वहाँ पर जो परपोट लिखे हैं, प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखे हैं, वो लिखे हैं कि ये जो संसार जो में जो 5 वीक लिंक्स ऑफ दी सोसाइटी, स्त्री लोग इनको प्रोटेक्शन चाहिए, छोटा बालक उनको प्रोटेक्शन चाहिए, ब्राह्मण गाभी और एक है वृद्ध उनका प्रोटेक्शन चाहिए, और एक जगह में प्रभुपाद लिखे हैं जो डिजीज पर्सन जो रोगी लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। अभी इसको अगर हमारा शास्त्र के अनुसार हमारा आचरण नहीं होता तो ये वाला चीज़ भी बहुत रैम्पेंट हो जाता है। रैम्पेंट मतलब क्या बोलते हैं, बहुत जघन्य काम अभी हो जाता है। अभी भी छोटा बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि अभी जो चाइल्ड एब्यूशन वगैरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो गंदा चीज़ देखेंगे टेलीविज़न में वो चीज़ करने के लिए तुम्हारे हृदय में जो आसुरिक प्रवृत्ति वो जाग जाएगा, और उसके बाद 4 लोग को आप फांसी देंगे। यू हैव टू, आपको बंद करना चाहिए एक गलत टेलीकास्ट। अभी इसका पीछे भी एक बड़ा हिस्ट्री है, जैसे रामायण महाभारत में, जैसे रामायण में माँ सीता को जब हरण किए रावण, उस भेष क्या लिया था, साधु का भेष लिया था, तो लक्ष्मण लेखा जब क्रॉस किया वो अपना क्या असुर रूप दिखाया। जब टेलीविज़न यहाँ पर सेल नहीं हो रहा था, टेलीविज़न ऑलरेडी निर्माण हो गया था फॉरेन में, तो भारत का लोग टेलीविज़न नहीं देख रहे, उसका कारण क्या है, वो देखे कि भारत का लोग शाम जब हो जाता है ब्राह्मण के पास जाता है, वो भागवतम महाभारत पढ़ता है, वो सुनता है, खेती से आता है, तो टेलीविज़न का जरूरत नहीं। तो उस समय वो बड़े बड़े जो लेखक वगैरह को लेकर ये रामायण महाभारत को कैसे हम टेलीकास्ट करेंगे वो वाला किए। किसी का घर में जो भी मैट्रिकुलेशन पढ़ा है, जो एग्ज़ाम दिया है, मैट्रिक एग्ज़ाम का 6 महीने के बाद 1 साल के बाद के लिए पिताजी पेरेंट्स भी नहीं देखेंगे टीवी, और दूसरे को दिखाने भी नहीं देंगे, उनको पता है कि इससे गड़बड़ी होने वाला है। तो इसीलिए गलत चीज़ कहाँ से हमारा सिस्टम को घुसता है, दो आँग से ज़्यादा घुसता है, कान से घुसता है, मुँह से घुसता है, अगर भगवान का प्रसाद नहीं लेते हैं। इसीलिए ये वाला सब सिखाने के लिए चीज़ है और खुद पालन करने के लिए चीज़ है। घर में जितना सपोज 24 इंच 25 इंच का जो LCD है उसको हटाकर बड़ा भगवान का विग्रह रखना चाहिए। सुबह उठकर हमारे जो भक्त लोग हैं उनका सिखा सकते हैं, क्योंकि पहले हर घर में हमारे उड़िया में बोलते हैं ठाकुर घर, जहाँ पर क्या भगवान का आराधना होता है, उनके लिए सेपरेट घर हो रहा था,
बेडरूम का कॉन्सेप्ट नहीं था, बेडरूम कॉन्सेप्ट कम्स आफ्टर ब्रिटिश। बाहर बाड़ी अंतर बाड़ी था, अंदर सब माता जी लोग एक साथ रहेंगे, बाहर जो रहे सब पुरुष लोग एक साथ रहेंगे, इसीलिए बहुत सुंदर जीवन यापन था। क्योंकि जितना हम वैदिक वैदिक लाइफस्टाइल से हम दूर जाएंगे, उतना हमारे पास प्राचुर्य धन होने के बाद भी हमको सुख शांति नहीं मिलेगा। अभी बहुत जो इस्कॉन के भक्त है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, पैसा है, फॉरेन लोग का ऐसे नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन वो समय हमेशा भारत को देखते हैं। भारत में जो एक आदमी इनकम करता है, पूरा कुटुंब बैठ कर खाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो भाईचारी, ये जो परिवार जो है, इसका अंदर का और सेंटर जो है वो भगवान है, इसलिए इतना हमारा गड़बड़ी नहीं होता था। अभी अगर भगवान को उनका घर से निकाल कर एक छोटा सा क्या बोलते हैं कबड़ कर कर हम रख दिए हैं, इसलिए हमारे पास धन होने के बाद भी इतना आनंद शांति नहीं मिलता है। इसी को हम जो बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं, आपको अपना अपना घर में एक विग्रह के लिए बड़ा वाला अल्टर बनाना चाहिए, सुबह स्नान करने के बाद उनके सामने जाकर मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप हर रिलीजन में है, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो भी नाम जप करते हैं। और कलियुग में ये जो वर्णन है कली संतान का उपनिषद में, हरेर नाम हरेर नाम ई केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, ये कलियुग का प्रिस्क्राइबी मंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र। अपना जीवा से जप करेंगे जैसे कान सुनेगा। हर श्मशान में जब अर्थी जा क्या बोलते हैं उसको जाता है, तो हम आप छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, उड़ीसा से हो, जहाँ पर भी हो, वो बोलते हैं राम नाम सत्य है, हरे नाम सत्य है। इसके पीछे रीजन क्या है? जो लेकर जाते हैं वो तो जीवित है, वो रिमाइंड करते हैं, ये जो मर गया है वो अपना जीवन में कभी नहीं लिया था। तो ये मूर्खा भी हम नहीं करेंगे, जब तक हमारा जवानी है तब तक लेना चाहिए, क्योंकि 40-50 के बाद अपना इंद्रिय भी साथ नहीं देगा। तो आपका पास अगर शक्ति है तो अभी भी आप हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आप उसका फायदा खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको क्या अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए वासुदेव कथा, कृष्णा कथा अगर सुनते हैं तो अनजान में हमारा पवित्रता आता है हृदय में। पवित्र जब आता है दो चीज़ आपके पास आ जाता है, गलत क्या है सही क्या है आप उसको पकड़ सकते हैं। आपको कोई भगवा नहीं बना सकता, भगवा बोलते हैं ना, आपको कोई नहीं बोलेगा अरे मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं कलियुग का अवतार हूँ, आप मेरे पास आकर मेरे बात सुनो, मेरा विभूति लो, मेरा प्रसाद लो, मेरा पैर धोकर सुनो, ये वाला कुछ नहीं कर सकता। कोई अगर बोलेगा आप कौन है, आपको पता हो जाएगा कि आप भगवान जो है उनका नाम कृष्ण है। यहाँ पर सब हिंदू है, हिंदू है ना, हिंदू है, सनातन धर्म है। हमारा इतना मिसकंसेप्शन था 25 साल पहले, मुझे भी पता नहीं था भगवान क्या है। कोई बोलेगा भगवान, सपोज मैं भगवान शिव के पास जा रहा था, मैं बोलूँगा हाँ शिव भगवान है। कोई दुर्गा के पास जा रहे हैं, वो बोले दुर्गा भगवान है। प्रकट रूप में भगवद गीता में वर्णन है, अर्जुन उबाच अर्जुन ने बोला, संजय उबाच संजय बोला, धृतराष्ट्र उबाच धृतराष्ट्र बोला, कृष्ण उबाच लिखा नहीं है। कृष्ण जो है वो भगवान है, नरेंद्र मोदी जो है वो क्या प्राइम मिनिस्टर है। अगर बोलेगा मैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ गलत बोला क्या? इसलिए भगवान को कौन है, भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान कृष्ण है। उसका डेफिनेशन व्यासदेव का जो पिताजी हमारे पराशर मुनि वो पुराण में बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग्यम शरण इति भग। छह चीज़ें जिसके पास पूर्ण मात्रा में रहता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य 100% ये छह चीज़ें जिसके पास रहता है उसको भगवान बोलते हैं। और भगवान कृष्ण के पास ये छह चीज़ें है। ज्ञान 45 मिनट का बात किए अर्जुन के पास, अर्जुन जो महावीर था, धनुर्धारी था, रोकर बैठ गया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। 45 मिनट गीता का ज्ञान दिए, उसके बाद इतना वो जो बिगर के साथ युद्ध किए। वर्णन है कि भीष्म जो है 10,000 अर्जुन को मारने का क्षमता रखते थे, उनको भी वो विजय प्राप्त कराए अर्जुन को। इसलिए ये जो भगवद्गीता जो है, ये जो भगवद्गीता का जो ज्ञान है, ये हर मनुष्य के प्रति है, हर देवता के प्रति है। ये 14 प्लानिटरी 14 भुवन में जो आदमी है उनके प्रति ये भगवद्गीता का ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसे नहीं कि खाली इस्कॉन का प्रभुपाद ही उसको लिखे हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक को, ये ज्ञान को भगवान सूर्य देवता को भी दिए थे। जैसे उनका नाम ये मिवसते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीखा को अब्रवीत। चतुर्थ अध्याय का प्रथम नंबर श्लोक में बताया गया है, हे अर्जुन ये जो ज्ञान में तुमको मैं अभी देने जा रहा हूँ, ये वाला मैं पूर्व काल में सूर्य देवता को दिया था।
विवस्वान मनव्य प्राह, विवस्वान जो सूर्य देवता का नाम है वो अपना पुत्र मनु के दिया, मनु के दिए थे, मनु अपना पुत्र इक्ष्वाकु के दिए। इसी तरह ये वाला जो ज्ञान आया सूर्य वंश में, जो भगवान रामचंद्र का वंश है उसको सूर्य वंश बोलते हैं, भगवान कृष्ण का वंश को बोलते हैं चंद्र वंश। किसी धर्म को स्थापन करने के लिए आपको क्षत्रिय वंश में भगवान आविर्भूत होते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन शासन कार्य क्षत्रिय के काम होता है। क्षत्रिय वंश में ही दो वंश में भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं सूर्य वंश में भगवान राम और स्वयं चंद्र वंश में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषि विदुः, ये जो ज्ञान है परंपरा में आता है। जैसे मैं बोला, सूर्य को बोला, सूर्य मनु को बोले, मनु इक्ष्वाकु को बोले, सूर्य वंश में ये वाला आ गया, वो ज्ञान के बल पर वो राजा शासन करेगा, ऋषि का निर्देश में वो शास्त्र का वचन के अनुसार वो शासन करेगा। इसलिए ये जो ज्ञान है ये राजा के लिए है, ये राजा ऋषि के लिए है। इसलिए भक्ति जो है इट इज़ फॉर द फर्स्ट क्लास पर्सन्स, ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण शिव ये सब भगवान कृष्ण का भक्त है। इसलिए अगर भगवान कृष्ण का भक्त होना है यू हैव टू पे द प्राइस, तुमको वो वाला रकम देना पड़ेगा। वो रकम क्या है? माला में हरे कृष्णा महामंत्र जप करना पड़ेगा। ये जो चार नियम है जहाँ पर कलिजुग का वास होता है, कली मतलब झगड़ा, कोई बोलेगा मैं दारू का दुकान में जॉब कर रहा हूँ, नहीं, तुम्हारे दारू का दुकान में जॉब जो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दारू बेच रहे, कोटी कोटी आपका संपत्ति आ सकता है, धन आ सकता है, लेकिन शांति उड़ जाएगा। आपको शांति सुख चाहिए या आपका धन चाहिए? इसलिए जो भी गलत चीज़ करता है आप एक मार्क करेंगे, ये जो चार चीज़ करते हैं उनका आयु क्षय होता है। जैसे एक आयु क्षय होता है, मैं बोला कचस्पर्श क्षत आयु, जैसे मिसबिहेव टुवर्ड्स दी वोमैन, माता जी के साथ अगर इधर उधर करते हैं तो आपका वंश उड़ जाता है। जितना भी युद्ध हुआ है, क्या भगवान जब विनाश करते हैं तो माँ को एक माध्यम बनाते हैं। जैसे तृतीय युग में मदर सीता को डिसरिस्पेक्ट हुआ, द्वापर युग में द्रौपदी को हुआ, सत्य युग में रेवती अहल्या को भी हुआ था, और जो जमदग्नि का जो स्त्री है, परशुराम का जो माँ है, उनको ऊपर हुआ था। इसलिए जितना भी विनाश हुआ है, अगर एक को हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और उनको क्या बोलते हैं एंजॉइंग प्रोपेंसिट रहता है, तो ऑटोमेटिक आपका आयु क्षय हो जाएगा। इसलिए भक्ति करने से पहले मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य होने के लिए आपको चार नियम पालन करना चाहिए। तो इस्कॉन सोसाइटी ऐसा नहीं कि खाली धर्म प्रचार कर रहा है, अभी भी हमारा जैसा हम यूथ प्रचार करते हैं, डिफरेंट स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट लोग को हम ये नियम पालन करते हैं, सुबह कैसे उठना चाहिए, माला में कैसे जप करना चाहिए, चार नियम कैसे नहीं करना चाहिए, ये वाला बताना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब हमारा एडोलेसेंस हमारा आता है टीनेजर के बाद, उसी टाइम ये गड़बड़ी शुरू होता है। जो माँ लोग है जनरल, तो वो अपना जो ऋतुस्राव होता है जो क्या एक हाँ उस समय, तो उनका जो बेटी वगैरह को उनको वो क्या देकर उनका टेक केयर कर देते हैं। लेकिन जो पुरुष है, जब टेंथ खत्म हो गया है, प्रिपरेशन कर रहा है, बीटेक एमटेक करेगा, ये वाला पढ़ेगा, उस समय जब गलत चीज़ कोई करता है तो उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन साधु का नियम जब पालन करते हैं, ये वाला कितना गलत चीज़ है, ये वाला जब हम देखते हैं, जो चीज़ हमको 25 साल में पुत्र संतान उत्पन्न के लिए करते हैं, अभी 6th क्लास का स्टूडेंट का दिमाग में वो चीज़ आ गया है, ये वाला प्रैक्टिकल चीज़ है। हम मुंबई में गए थे वैल्यू एजुकेशन क्लासेस देने के लिए, टीचर इंट्रोड्यूस किया, आपका वैल्यू एजुकेशन टीचर है और हर सैटरडे आएंगे, वो खाली हमारा जाने आने का पेट्रोल का बिल देते हैं। ऑलरेडी दिल्ली में शुरू हो गया है, 6th से लेकर 10th तक बुक भी पब्लिश हो गया है CBSE के अंडर में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एक डिसाइपल बनाए हैं। वो जब हम किए तो ऐसे ही बोले कि हम पूछे बड़े होने के बाद क्या बनेंगे, सब कोई स्टूडेंट हाथ उठाकर खड़े होकर बता रहा था, मैं साइंटिस्ट होऊंगा, मैं इंजीनियर होऊंगा, इंजीनियर बनूंगा। एक लड़का पाँच साल मतलब एज कितना होगा, 9 साल या 10 साल, आई विल डू दिस सेक्स विथ वोमेन इन फ्यू जब मैं बड़ा होऊंगा। अभी ये वाला ज्ञान उसके पास आया कैसे? टीवी में जो देख रहा है, जो सुन रहा है, छोटा बच्चा को अगर गाली सिखाएंगे गाली भी कहेगा, हरे कृष्ण मंत्र सिखाएंगे हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा, भजन सिखाएंगे भजन बोलेगा, है ना? नहीं तो ये वाला छोटा तार में, पतला तार में 33 kV का अगर करंट घुसाएंगे वो जल जाएगा। तो ये वाला हमारा फर्ज बनता है, जितना भी हमारा छोटे भाई है,
उनको बचपन से हमको सिखाना चाहिए गलत क्या है सही क्या है, तो आप उनको रख सकते हैं। नहीं तो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन जैसे बीमारी है, वो सर दर्द जैसा बीमारी अभी हो गया है। ये वाला क्यों होता है? एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन इन इमैच्योर स्टेज। एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन इमैच्योर स्टेज में हम जब करेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब बोल रहा है 30 एज के बाद वी डोंट हैव द पावर टू बेगेट द मेल चाइल्ड, 30 साल के बाद एक पुरुष संतान जन्म करने के लिए भी हमारे पास क्षमता नहीं है। ये वाला क्यों है? क्योंकि हम गलत चीज़ सब पहले कर देते हैं। इसलिए जो भी बड़े बड़े भाई है, पिताजी है, अपना छोटा बेटा छोटा भाई को ये वाला बताना चाहिए, इसको ना संस्था को लाना चाहिए। इसके कारण ना वो इमैच्योर डेथ भी नहीं होगा, नेचुरल डेथ है। मतलब आप धार्मिक लोग हैं, बुढ़ापा का मौत आता है तो हम धर्म कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं मतलब गड़बड़ी हो रहा है, चार नियम का खंडन हो रहा है, जिसके कारण आयु कम हो जाता है। आयु कम का ये वाला मेन क्या है, रीजन है। अगर कोई चाहता है आप वो जीते जिए उनका पिताजी का देहांत हो और उनका वो पिंड दान कर सकते हैं, तो एक गलत चीज़ चार नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। ये उसका मेटेरियल बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में इसका भूरी भूरी का प्रशंसा है। अर्जुन के सामने अभिमनु को 7 रथे मिलकर उड़ा दे, है ना, नहीं भीम है उसके सामने घटोत्कच शुरू हो, क्या उनका पुत्र का देहांत हुआ? क्योंकि द्वापर युग में ही हमारा, जैसे हमारे द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ था, ये जो इलिसिट सेक्स जो अधर्म का चार स्तंभ है, द्योतम पानव सुनास्त्री, अधर्म का चार पैर है जिसमें अधर्म का बड़ा बड़ा अट्टालिका खड़ा होता है, ये चार्ज नहीं करेंगे तो चार धर्म का पैर तैयार होता है, सत्य शौच दया और क्या है, ठीक है एक एक देखेंगे। इलिसिट सेक्स अवैध जौन संपर्क अगर हम नहीं करेंगे तो शुचिता शुचि हमारे शरीर में होता है, शौच होता है, इसलिए धर्म का एक पैर का नाम है शौच। अगर हम नशा नहीं करेंगे तो हम तप कर सकते हैं, सपोज एकादशी 12 बजे तक हम अन्न नहीं खाएंगे, पूरे एक दिन हम अन्न नहीं खाकर रहते हैं, निर्जल एकादशी में एक बूंद पानी नहीं पीते, तो तप एक दूसरा उसका पैर है, एक हो गया शौच एक हो गया तप। मांस मछली अगर नहीं खाएंगे तो हम अन्य जीव के प्रति दया होगा। अभी अभी ऐसे आड़ आ रहा है, कोई एक्सीडेंट होने के बाद तुमको पुलिस नहीं पकड़ेगा, तुमको 2000 इनाम दिया जाएगा, वो जो डेड कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर तुम डॉक्टर के पास जाओ, पहले नहीं जा रहे थे क्योंकि आप आपका पुलिस केस में फंस जाएंगे। अभी गवर्नमेंट को भी पता रह रहे, अरे वो रोड में मर रहे तुम ये वाला करो। अगर हम पशु क्या पशु हत्या नहीं कर नहीं खा रहे हैं तो हमारा दया भाव रहेगा। कोई अगर एक अंधे सपोज बूढ़ा लोग ये रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको हम पकड़ कर क्रॉस कर सकते हैं, ये जो क्या परोपकार भाव हृदय में रहता है। इसलिए पहले हो गया हमारा तप हो गया शौच हो गया ये वाला दया, और एक चीज़ है और एक क्या रहेगा जुआ, हाँ गैम्बलिंग अगर खेलेंगे जुआ खेलेंगे तो आप झूठ करें बोलना पड़ेगा, तो सत्य और एक उसका खंभ है। तो इसीलिए अगर चार नियम पालेंगे तो आप धर्म का जो चार स्तंभ है सत्य शौच दया और तप, ये चार चार पैर के ऊपर आपका भक्ति का इमारत खड़ा हो सकता है। नहीं तो आप जितना भी भक्ति करेंगे उसको बोलते हैं उत्पात एवही केवलम, उसको बोलते हैं पुराण स्मृति पंचरात्रि के बिना ऐकांतिक हरिर भक्ति उत्पाद एव कल्पते। आप अगर पुराण शास्त्र के अनुसार ऐकांतिक हरि भक्ति कर रहे हैं फिर भी उस वो खाली संसार में उत्पाद करेगा। कोई साधु बोलता है हरिकथा कहता है सब करता है, फिर 25 साल 20 साल के बाद एक लड़के के चक्कर में वो अभी जेल में है ना, नहीं क्योंकि वो भक्ति का अंग को ठीक ठाक नहीं किया। उत्पाद क्या किया, जो 25 लाख उसको मान रहे थे उनका साधु के प्रति और भगवान के प्रति जो विश्वास था वो पूरा उड़कर नास्तिक हो गए, समझ रहे हैं ना, ये वाला उत्पाद वो करते हैं। इसीलिए हमको किससे सुनना चाहिए क्या सुनना चाहिए उसका भी शास्त्र का निर्णय है। अवैष्णव मुख उद्गीर्णम हरि कथा मृतम पूर्णम पुमा, अवैष्णव जो वैष्णव नहीं है जो भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता है और नीति नियम का पालन नहीं करता है, अवैष्णव मुख उद्गीर्णम उनका मुँह से जब हरि कथा अमृतम पूतम, हरि कथा जो है वो पवित्र करने वाला है, जैसे हम इधर देखें वासुदेव कथा जो प्रश्न होता है वो सबको पवित्र करने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है पद्म पुराण में
अवैष्णव मुख उद्गीर्ण हरि कथामृतम पूतम श्रवण नैव कर्तव्यम। इसको सुनना नहीं चाहिए, और जितना भी चैनल में हरि कथा आए, अच्छा प्रवचन दे, उसको सुनने के बाद रोना आएगा, हंस आएगा, उसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन में कभी आचरण नहीं किया है और परंपरागत वाणी नहीं है। तो क्या होगा उसमें, दृष्टांत में बताया गया है, सर्प उच्चिष्ट पय यथा, पय मतलब दूध, दूध जो है उसको पीने के बाद शरीर में पोषण मिलता है, शक्ति मिलता है, वीर्य बढ़ता है, ये उसका लक्षण है। वही दूध को अगर सांप चुक दिया है, क्या मुंह मार दिया है, दूध को सफेद दिखेगा, हरी कथा भी आपको रसीला लगेगा, लेकिन पीने के बाद, सुनने के बाद आपका हृदय में सब काम क्रोध लोभ ये वाला सब बढ़ेगा। प्रभुपाद भगवद्गीता का जब भावार्थ दिए, भगवद्गीता का भावार्थ 600 टाइप का है, प्रभुपाद जब लिख रहे हैं, एक अंग्रेजी माता जी आकर उनको पूछे, आप मुझे रिकमेंडेड कीजिए कौन सा भगवद्गीता मैं पढ़ूंगा, प्रभुपाद कर ले बोले कोई भी भगवद्गीता परंपरागत नहीं है, इसको पढ़ेंगे तो भी आपका लाभ भी कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे भगवद्गीता जो है वो लिखा है श्लोका व्यासदेव से, उसको पढ़ने में बुराई क्या है, व्यासदेव का श्लोक है, लेकिन सपोज मैं तामसिक लोग हूँ, तामसिक जो उसका परपट दूंगा, उसका गलत परपट दे दूंगा, है ना, नहीं जैसे हमारा पूर्व में जो थे राष्ट्रपति, वो बोले कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब शरीर है, पंच पांडव जो है पंच मन है, और 100 जो कौरव है वो 100 प्रकृति है। लेकिन ये वाला अगर श्लोक का व्याख्या आपको पता चल रहा है, कुरुक्षेत्र एक धर्मस्थली है जहाँ पर हमारा सूर्य पराग और चंद्रग्रहण जब होता है, हम वहाँ पर जाकर सरोवर में स्नान करेंगे तो हम पवित्र होते हैं, और धर्म क्षेत्र है। अभी भी यूपी में जाएंगे तो कुरुक्षेत्र एक तीर्थस्थली है, और पांडव जो है 5 पुत्र थे, पांडु और कुंती और माद्रिका, जहाँ पर आपका प्रकट रूप से पता चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका टीका टिप्पणी देना जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद बोले जो 600 प्रकार का जो भगवद गीता का जो वाणी है वह उसका जो व्याख्या है वो सब गलत है, क्योंकि कोई भी परंपरागत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद का जब उस ग्रंथ को पब्लिश किए, भगवद्गीता आज इट इज़ भगवद्गीता यथारूप, अभी भी प्रभुपाद का 50 साल अप्रकट होने के बाद फिर भी जो भी उसको पढ़ रहे हैं वो परिवर्तन हो रहा है, उसका जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए सपोज अभी 1.5 घंटा 2 घंटा हम कथा कीर्तन किए, इसमें आपका कुछ शंका हो सकता है, भूल हो सकता है, आप कभी भी ये शास्त्र को खुद अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप जान सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस्कॉन का प्रभुपाद ऐसे पुस्तक अपना जीवन काल में 100 से ऊपर भी रचना किए हैं, 80 भाषा में ये भगवद्गीता भागवतम छोटा छोटा पुस्तक अभी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग को पता चल रहा है कि ये वाला खाली हिंदू का नहीं है, मुझे अगर सुख शांति आनंद चाहिए तो ये ज्ञान को मुझे लेकर मेरे जीवन में लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जो दिए हैं वो उसमें हम भी लाभान्वित हो रहे हैं, अगर आप दूसरों को देंगे दूसरों का जीवन भी आप बचा सकते हैं। अभी 15 मिनट में अगर किसी का कोई शंका है आप पूछ सकते हैं, तो हम इधर कथा को विराम देते हैं। तो अभी अभी अब क्या हम डिस्कशन किए बिगिनिंग से, हम बोले कि किसी कलयुग का लोग को अगर आप क्या फ़ायदा है उसको नहीं बताएंगे तो वो कथा कीर्तन नहीं आएंगे। अभी जो हम बोल रहे हैं ये भगवान का पहले जो कीर्तन हुआ था उसका नाम संकीर्तन बोलते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। यहाँ पर भगवान का गुण कीर्तन हो रहा है, उनका गुण, उनका रूप, उनका लीला का कीर्तन हो रहा है। जो नवदा भक्ति अंग है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवण का आचार्य है परीक्षित महाराज, 7 दिन बिना खाए बिना पानी पिए वो भगवान सुखदेव गोस्वामी मुख से सुने थे, और श्रवण कीर्तन का आचार्य है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी वो 7 दिन में खुलो मृदंग करतल पकड़कर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन नहीं किए थे, 7 दिन 18,000 श्लोका जो भागवतम का 12वां स्कंद में वो परीक्षित के सामने बताए थे। इसीलिए भागवतम का जो वर्णन है, भागवतम का जो कीर्तन है, उसको भी भगवान का कीर्ति, भक्ति का कीर्ति और भक्त का कीर्ति जहाँ पर वर्णन है उसको भागवतम बोलते हैं। तो ये वाला करने से फ़ायदा क्या होता है, ये वाला करने से जो बोलता है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो भगवान का कृपा के ऊपर निर्भर करता है, परंपरा का कृपा और गुरु का कृपा ऊपर निर्भर करके बोलता है, वो अपना इंटेलिजेंस और बुद्धि से प्रयोग कर लोग मुझे वहाँ वहाँ करेंगे ऐसे नहीं, इसके लिए नहीं बोलता। ये भी एक सेवा है, जैसे कुकिंग करना एक सेवा है,
माता जी लोग सब्जी कटिंग के वो उसको एक सेवा है, और कोई प्रचार करता है, कोई मुदंग बजाता है, ये एक एक सेवा है, तो कथा कीर्तन भी एक सेवा है। अगर ये वाला करते हैं, जो सुनते हैं और जो बोलता है और जो प्रश्न पूछता है, ये सब पवित्र होते हैं। जैसे गंगा जहाँ पर भी जाता है वो पवित्र करता है, ये कथा कीर्तन जब हमारा अनजाने में भी कान में पड़ता है तो वो आपको जलाता है। क्या जलाता है? आपका पाप कर्म का प्रवृत्ति को हृदय में जला देता है। आप बोलेंगे अरे मैं यूथ हूँ, मैं जवान में हूँ, इस्कॉन में फंस कर मेरा लॉस हो गया, क्या हुआ, अभी नॉनवेज ऑटोमेटिक छूट जाएगा, ये वाला गलत चीज़ छूट जाएगा, और आपको देखकर दूसरा लोग भी उदाहरण देंगे, देखो उनका बेटा कितना गलत था अभी कितना अच्छा हो गया। इसीलिए हर साधु का अतीत रहता है और हर पापी का भविष्य रहता है। तो हमको कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगा, अरे इतना दिन हो गया मैं जप नहीं किया, ये नहीं किया। अभी भी जो नए लोग आए हैं, आपको ये जो माता जी लोग हैं, प्रभु जी लोग हैं, आपको सिखा लेंगे कैसे माला में हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। इसको महामंत्र बोलते हैं, क्योंकि जो मन तारयति इति मंत्र, मन का जो चीज़ है, जब हम बड़े हो जाता है कोई भी प्रॉब्लम है और पिताजी माताजी को नहीं बोल सकते, कभी कभी पत्नी को भी नहीं बोल सकते, कभी कभी बेटा बेटी को नहीं बोल सकते, तो कहाँ जाता है, भगवान के सामने जाकर। जितना अपना भगवान के सामने कोई भी जाता है वो क्या बोलता है, मैं कितना खराब हूँ, हाँ या नहीं, मैं इतना खराब हूँ और तुम ही मुझे ठीक कर सकते हैं। उसका साइड में अगर उनका दोस्त होगा वो बोलेगा अरे तुम इतना इतना खराब हो, वो खुद बोलेगा तो ऊपर गुस्सा हो जाएगा, भगवान के सामने बोल रहा है तो कुछ नहीं बोल रहा है, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ तो क्यों गुस्सा हो रहा है। उनको पता है कि भगवान मेरे बात सुनते हैं और भगवान के पास इलाज है, मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ। इसीलिए भगवान पूरा मोनोपोलाइज किए है, मतलब अपना भक्त को वो पूरा फ्रेंचाइज दिए है। तुम दूसरे को भी आप भगवान का भक्ति में जोड़ा सकते हैं और दूसरे को जीवन जो क्या नर्क के लिए कंपलसरी है, उसको तुम नर्क में जाकर भी उनको उद्धार करने का क्षमता साधु लोग का वैष्णव लोग का पास है। इसके बल पर भगवान का नाम के बल के पास है। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र में भगवान का जो तीन नाम है, हरे कृष्ण राम, ये स्वयं भगवान वो तीनों नाम में बैठे है। इसलिए वो हमारा पवित्र करते हैं। हमारा बहुत लोग को, फॉरेन का लोग को पता नहीं कल्चर क्या होता है, उनका कैसिनो जाना, प्रोस्टिट्यूट जाना, खाली मांस नहीं, गौ हत्या कर कर उसका मांस खाना, उसको पवित्र कर दिए, तो हमारे को पवित्र करने के लिए कुछ शंका भी नहीं है। और एक छोटा चीज़ देखूँगा, जो जनरली ये वाला एरिया में कोई नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन उड़ीसा और बंगाल नॉनवेज में हमारा शरीर पूरा बना हुआ है। फिर भी कोई अगर खा रहे होंगे, थोड़ा आप विचार करके देखो, कोई अगर हमारा घर में कोई अगर मृत्युवरण करते हैं तो हम पवित्र होने के लिए उनको लेते हैं स्मशान तक, उनको जलाते हैं 11 दिन क्या बॉयल खाते हैं, उसके बाद ब्राह्मण डाककर मुंडन होते हैं, उसके बाद हम पवित्र में जाते हैं। तो पवित्र होने के लिए एक डेड बॉडी को हमको लगता है 12 दिन 14 दिन जहाँ पर कुकिंग होता है वहाँ पर पकवान होकर त्यौहार में क्या भगवान जी को लगता है, जन्माष्टमी हो गया, इधर हो गया, वहाँ पर हम डेड बॉडी लाते हैं। डेड बॉडी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, लाश। लाश अच्छा आता है, थोड़ा खराब लगता है। उड़िया में बोलते हैं मोढ़ो, मोढ़ो मोढ़ो मतलब सब, जिसको कुत्ता बिल्ली खाते हैं ना, कोई अगर कुत्ता को इधर सपोज ट्रक चाप दिया, उसको कौवा वगैरह खाते हैं ना, तो उसको हम नया नाम दे देते हैं, मटन चिकन फिश मार्केट से लाए हैं, नाम नया है लेकिन वो प्रोडक्ट वही है, मोड़ो है और सबो है, डेड बॉडी है। उसको कहाँ पर कुकिंग करते हैं, जहाँ पर भगवान का पकवान होता है उधर करते हैं। तो आपका कुकिंग जहाँ पर करते हैं वो क्या है, श्मशान से डिफरेंट नहीं है। श्मशान उसको जब हम कहते हैं तो हम भी जो कुत्ता हो गया, सियाल हो गया, क्या हो उसको बोलते हैं वल्चर, उनसे भी हम बदतर नहीं है। और खाने के बाद हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, वो ही ग्रेवयार्ड बन जाता है, बस मसान हो जाता है। तो हमको पवित्र करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमारा रिलेटिव कोई मरता है तो 15 दिन में हम शुद्धि होते हैं, तो हमारा शरीर को पवित्र करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हम थोड़ा विचार करना चाहिए। कोई भी दृष्टिकोण से देखेंगे, साइंस दृष्टिकोण से देखेंगे, जो जिह्वा में पानी पीते हैं उनका शरीर बना है मांस मछली खाकर हजम कर देगा। आप कुत्ता को देखो, बिल्ली को देखो, शेर को देखो, शेरनी को देखो, बाघ को देखो, जो ओट में पानी पीते हैं उनका शरीर है साग सब्जी खाने के लिए। तो कौन कोई भी शास्त्र में इसे वर्णन नहीं है आप नॉनवेज खाओ, कुरान में भी नहीं है। हमारे दोस्त लोग हैं मुस्लिम से, वो भी नहीं बोलते, कहाँ भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। इसलिए ये भगवत गीता भागवतम वाणी को आप खुद रख सकते हैं हिंदी में, अलग अलग अपना भारत में जितना भी भाषा है सब में उसमें वर्णन है।
उसको खुद रखकर पढ़ सकते हैं सुबह शाम और माला जप कर सकते हैं। ये करने से अपना मन का जो मैला है, जो एंजाइम प्रोपेंसिटी है, ये वाला शुद्ध होगा, अच्छा विचार आएगा और आप कम से कम कलयुग में 100 साल बच पाएंगे, जीना रह पाएंगे और आपके सामने आपका जो पिताजी माँ वो वृद्धत्व में शरीर छोड़ेंगे और आप उनका पिंडदान करेंगे, नहीं तो रिवर्स हो जाएगा, माँ बाप रहेंगे आप उनके सामने अप्रकट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नित्य कौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। किसी का कुछ जिज्ञासा है तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं जो हम डिस्कशन किए उसके बारे में, क्योंकि ये जो संडे फीस्ट का प्रोग्राम होता है इसमें ओवरऑल चीज़ हम बताते हैं, मेन चीज़ फोकस होता है कैसे आप माला जप करेंगे और चार नियम जो भी कुछ कर रहे हैं जितना जल्दी हो उसको छोड़ेंगे। माला जप करने से आपको ऑटोमेटिक चार नियम भाग कर चला जाएगा, वो प्रयत्न नहीं करता, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लोग हूँ, मैं खुद का जीवन में बताता हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, हमारा जो जाति है, जाति पता है ना, हम मछुआरे हैं और मैं एक दिन में 1.5 kg चिकन खा रहा था, चिकन पता है ना, मुर्गी 1.5 kg खाने का क्षमता रखता था, लेकिन अभी पूरा उलट पलट हो गया है, भगवान पूरा परिवर्तन कर दिए। हर साधु जो है उनका अतीत रहता है, आपका कुछ लज्जा शंका भय करना नहीं जरूरत है, डॉक्टर के पास अपना मरीज अपना जो बीमारी है वो खुलकर बताएंगे तो मेडिसिन काम करता है। अगर मेरा जीवन में ऐसे होता है तो आपका जीवन में क्यों नहीं होगा। वाल्मीकि जी अगर आएंगे इधर का रामायण का प्रवचन करेंगे वो क्या बोलेंगे, अपना हिस्ट्री बोलेंगे, मैं अतीत में कितना डाकू था, किसका मर्डर किया था। व्यासदेव जब नारायण नारद मुनि आकर बताएंगे तो क्या बोलेंगे, मैं अतीत में एक दासी पुत्र था, उसके अतीत में मैं एक गंधर्व था, मुझे देवता के लोग बोले मैं कीर्तन करने के लिए जाऊँगा, कीर्तन करने के टाइम में अवसर का डांस देखा, डुएट संग बोल दिया, मुझे अभिशाप हुआ दासी पुत्र। हर साधु अपना हिस्ट्री बोलता है वो क्या होता है। जो जन्म से वैष्णव कुल में जन्म हुआ है, जैसे प्रभुपाद भक्ति चंद्र ठाकुर, जन्म में ही वो हरे कृष्ण महामंत्र सीखे हैं, तिलक सीखे हैं, कंठीमाला सीखा है, उनको पाप स्पर्श नहीं हुआ है, वो वैकुंठ धाम से आए हैं। लेकिन हम वैकुंठ धाम से भगवान को क्या ईर्ष्या कर आए हैं, तो हमारा उद्धार कर सकते हैं जब साधु गुरु वैष्णव भागवत भगवद्गीता शुद्ध परंपरा में हम जुड़ेंगे। आप जो नए आए हैं उनको आप फीडबैक, ये जो क्या है इसको बोलते हैं जपा बैग बोलते हैं, बीड बैग बोलते हैं, इसके अंदर जो जपा माली है, आप अगर नए आए तो ये जो माली होता है वो नीम का होता है, बेल का होता है, उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला धन जो है आपका मृत्यु के समय जाएगा, यमराज के पास से ये वाला काम करेगा, सब इधर रह जाएगा, आपका शरीर भी रह जाएगा, बीबी बैंक बैलेंस सब रहेगा। और इसको जप करने के लिए बहुत ही उसका आसान तरीका है, एक माला में आप ये जो बीसी अंगुली है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तर्जनी है, इसको आप उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वाला दोष देखने के लिए उंगली रहता है, जिसका दोष दिखाएंगे उसको बोलेंगे तुम इतना ख़राब है। और ये जो बूढ़ा अंगुली और जो मिडिल फिंगर में उसको पकड़कर एक में आप ये जो 32 अक्षर 16 नाम का नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 108 जब नाम करेंगे वो एक माला होता है। और हमारा इस्कॉन जो है प्रभुपाद जो है वो बहुत दयालु होकर हमको 16 माला दिए है, उनका जो गुरु है वो बोल रहे थे तुम अगर लखपति नहीं है तुम पतित है, लखपति मतलब 64 माला करेंगे तो वो 1,00,000 से ऊपर होता है, 64 माला करने के लिए 8 घंटा लगता है, लेकिन प्रभुपाद ये जो इस्कॉन संस्था किए है आप 2 घंटा में आपका 16 माला होगा। ये 16 माला करने से इसका भी एक विज्ञान है, एक सुस्त शरीर में एक दिन में 25,000 श्वास प्रश्वास लेता है, 16 माला जब करेंगे एक माला में 108 मणि रहते हैं, एक महामंत्र में 16 नाम रहता है, हरे कृष्ण राम ये तीन नाम रहता है, एक माला में 16 नाम रहता है, उसको 16 बाल करेंगे 108 बार करेंगे, 16 × 108 × 16 माला करेंगे तो ये 27,000 होता है। मतलब अगर हम एक दिन में 2 घंटा का जप करते हैं कभी भी हमारा शरीर छूटता है तो यमदूत हमको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हर सांस में वो नाम कर दिया है। तो एकादशी में अगर कोई एकादशी का व्रत करते हैं वो भक्त लोग आपको सिखाएंगे एकादशी क्या होता है, कैसे व्रत करना चाहिए। एकादशी में सस्य चीज़ें आप खाएंगे नहीं, क्योंकि सस्य में सब पाप एकादशी में वास करता है, चावल दाल और सरसों ये हम नहीं खाते हैं, जो फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया और जो तरकारी है, तरकारी मतलब वेजिटेबल जो पकवान खा सकते हैं। और भगवान को जो खाएंगे तुलसी डालकर, भगवान कृष्ण के सामने, राम जी के सामने, जगन्नाथ जी के सामने, नृसिंहदेव के सामने, जो विष्णु तत्व है वो भोग लगाएंगे खाएंगे तो वो आपको कर्म नहीं लगेगा, नहीं तो हम पाप ही खा रहे हैं, गीता का जो श्लोक है।
अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो दो तीन मिनट पर आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे भी नहीं पूछ सकते हैं, जो यहाँ पर तिलक किए हैं, ऐसे तिलक किए हैं, उर्ध्व पौंडरिक तिलक इसको बोलते हैं, वो वैष्णव जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी पूछेंगे तो वो भी सेम चीज़ आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगदुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे।